लक्ष्मी मालिक, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मालिक, आपका हुक्म सिराग होगा, आखिर परसों आपका नमक खाया है। जो डॉक्टर शाम को मुझे देख कर गया है, कहता है मुझे तपेदिक की बीमारी है, इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना होगा। वो मुझे अभी अभी लेने आ रहा है। रौनक लाल, मालिक, मैं चाहता हूं मेरे इकलौते बच्चे की देखभाल तुम करो। मालिक, मैं अपना पेट तो पाल नहीं सकता, फिर ये जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? जब से मेरी बीवी मरी है, मेरा बच्चा इसी की गोद में खेला है। अरे राम, मैंने इस काम के लिए तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम्हारा अपना कोई बाल बच्चा नहीं है। मालिक, मालिक, आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। अपने बेटे की तरह आपके बेटे को पालूंगी। रौनक लाल जी, ये देखो, ये है 25,000 रुपए। बच्चे की परवरिश के लिए ये भी तुम्हें दे के जा रहा हूँ। मालिक, धन की तो ऐसी तैसी, असली चीज तो मन होता है। आप चिंता न कीजिए, आपके बच्चे को मैं ऐसे संभालूंगा जैसे कोई बाप अपनी औलाद को संभालता है। और ये भी याद रखना, ये रुपया जी इसकी तालीम के लिए है। जी, हो सके जी तो इसे डॉक्टर बना देना। जी जी। चलिए रामदास जी। मालिक, बचने की तो कोई उम्मीद नहीं, अगर किस्मत से बच गया तो आकर इसे संभाल लूंगा। जी जी। वरना आज से तुम इसके बाप हो और ये इसकी माँ। रौनक लाल, ये चुपके से कहाँ की तैयारी कर ली? मैं रंगून जा रहा हूँ, वहाँ मेरा एक भांजा रहता है, उसने कारोबार के लिए बुलाया है। क्या हमेशा के लिए जा रहे हैं? अब देखो कब तक का दाना पानी है वहाँ। अच्छा भैया, राम राम। राम राम। राम राम। चल भैया फुर्ती से चल। भगवान की कृपा से सब इंतजाम हो गया, अब धन की वर्षा ही वर्षा, समझो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भैया शिवचरण, मकान तो बड़ा अच्छा। अरे कीमत भी कुछ नहीं, सिर्फ 2,000 रुपए में सौदा किया है कुल। इतना ही नहीं, तुम्हारा खत पाते ही 2 एकड़ जमीन भी खरीद ली। जीते रहो भैया, जीते रहो। भाभी, किसी चीज की जरूरत हो शर्माना नहीं। भाइयों से क्या शर्म, जरूरत होगी तो मांग लूंगी। अच्छा मैं चला। राम राम। राम राम भैया। क्यों जी, तुमने तो कहा था हमें रंगून जाना है। तुम नहीं समझेगी, अपने लिए यही रंगून है। लेकिन तुमने ये 2 एकड़ जमीन कहाँ से खरीद ली? मालिक तो रुपया बच्चे की देखभाल करने के लिए दे गए थे। हाय हाय, कैसी मूर्ख औरत से पाला पड़ा। अरे भगवान, 2-4 महीने में तेरे भी तो बाल बच्चा होने वाला है, वो क्या खाएगा, घास या मेरा सर? और अगर मालिक अच्छे होकर आ गए तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तू फिक्र मत कर, वो तपेदिक के मरीज हैं, अब तक तो भगवान के प्यारे भी हो गए होंगे। नए घर में प्रवेश करते समय मौत और बीमारी की बातें नहीं किया करते, हंसी खुशी की बात कर, समझी? क्या फसल है, हम दिया बाम है और घर में बाहर आई है। अरे शिवचरण जी, ये खेत किसके हैं? मेरे दोस्त रौनक लाल के, नया नया यहाँ आया है। रौनक, अरे सर इतना जानता ही नहीं, ये हमारे जमींदार लक्ष्मी प्रसाद दौलत राम सोने चांदी वाले हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये खेत तो पिछले साल बंजर थे,
सरकार अपना खून पसीना बहाया है तब ये दिन देखने को मिला है। देखो रौनकलाल, हमारी यहाँ 150 एकड़ जमीन है, हम रहते हैं शहर में। अगर तुम हमारे खेत संभालो तो हम तुम्हें फसल में हिस्सा और 100 रुपया महीना तनख्वाह भी देंगे। सरकार धन की तो ऐसी की तैसी, असली चीज तो मन होता है सरकार। रौनकलाल, तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ है? लड़का? राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। इधर खेत मिला, उधर घर में पहली संतान आई। ओ मेरे राजा, ओ मेरे मुन्ने, देख लिया भगवान कैसा किस्मत वाला है। इधर ये आया, उधर जमींदार ने 150 एकड़ जमीन मुझे देखभाल के लिए दे दी और साथ में मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। मालूम होता है पिछले जन्म में जरूर कोई राजा था, और देख लेना ये बड़ा होकर मुझे भी राजा बना देगा, मुझे भी राजा बना देगा। ये सब तो बंसी के घर आने का प्रताप है। कौन? रामदास भैया, तुम अच्छे हो गए? हाँ, सब भगवान की दया। मगर हमने तो सुना था। क्या सुना था? कि तुम्हारा देहांत हो गया। भैया, किसी के कहने से ना कोई मरता है ना कोई जीता है। मगर ये मेरे घर पर ताला क्यों है? मैं तो अपने नौकर रौनक लाल और उसकी बीवी के जिम्मे अपना घर और अपना बच्चा छोड़कर गया था। वो तो अरसा हुआ यहाँ से चला गया। चला गया कहाँ? रंगून। रंगून? हाँ, कहता था उसके भांजे ने उसे कारोबार के लिए वहां बुलाया। चाहे मुझे अपने बेटे के लिए 7 समंदर भी पार करने पड़े तो भी करूंगा। मुसाफिर कोई एक रास्ते में था, वो चोरों के हाथों में जाकर फंसा। दीपू दीपू, मुझे भी थोड़ा पढ़ा देना। जा, तू क्या पढ़ेगा, खेतों में काम कर। दीपू, अबे इसे आंखें क्यों दिखा रहा है? सभी लोग बाबू बनने लगेंगे तो खेती करने के लिए आसमान से आदमी आएंगे। जाकर काम कर। बाबा, सारा काम तो कर लिया। ज्यादा बातें न बना, जाकर खेतों की देखभाल कर। चल। बाबा पढ़ रहे बेटा? पढ़ो। अरे बेटा, तुम ही तो मेरे अरमानों की तस्वीर हो। बेटा, पढ़ लिख कर बड़े होकर इनकम टैक्स कमिश्नर जरूर बनना है। पढ़ो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चौथी, चोर और काट तो जबान काट लूंगा। हिम्मत है तो काट। काटूंगा तो गुंगी हो जाएगी, मुझे गुंगे से शादी नहीं करनी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे नहीं, मेरी जबान से प्यार है। हाय हाय हाय, फजली समझती नहीं है, प्यार तुझसे भी है तेरी जबान से भी। तो फिर दोनों इतना तो बबा करते हैं ना। वाह 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 वाह, बड़ा मजा। अच्छा जी, तो तुम मजे के गाहक हो। अरे गाहक हूँ दिल का, दिल देकर दिल लूंगा, मुफ्त नहीं। चाचा, फोकट में देता कौन है? गोमती, गोमती बेटी। बापू आ गए, देख लेंगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे मैं तो हूँ। चाचा, बात सुनिए कहीं का, कल कटाई के मेले में मिलेंगे।
काहे इतना गुमान छोड़िए ये मेला दो दिन का काहे इतना गुमान छोड़िए ये मेला दो दिन का ले जी कितनों की जान छोड़िए ये मेला दो दिन का काहे इतना गुमान छोड़िए ये मेला दो दिन का करता है प्यार छुड़वाई मीना दो दिन का जा जा डोर न डार छुड़वाई मीना दो दिन का काहे कितना गुमान छोड़िए ये मेला दो दिन का जरा सुन सुना अरे जा 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 चल ठुमक ठुमक जरा ठुमक ठुमक चल ठुमक ठुमक जरा ठुमक ठुमक तेरी खातिर खोल के रखा है दिल का दरवाजा भैया हम नहीं पढ़ने वाले मर्जी है तो आजा बड़ा आया दिल दार छोड़वाई मेला दो दिन का बड़ा आया दिल दार छोड़वाई मेला दो दिन का जा जा दोरे न दार छोड़वाई मेला दो दिन का वाले करता है प्यार छोड़वाई मेला दो दिन का काहे इतना गुमान छोड़िए ये मेला दो दिन का जाएगा जहान छोड़िए ये मेला दो दिन का लुट जाएगा जहान छोड़िए ये मेला दो दिन का ऐसा होनहार लड़का तो चिराग लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। बीए करेगा फिर एलएलबी करेगा फिर इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा आगे पीछे गाड़ियां होंगी जिधर से गुजरेगा लोग झुकझुक कर सलाम करेंगे और मैं इस गांव की गलियों में गांव का बेताज बादशाह बनकर घूमूंगा। मगर ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए 500 रुपए दिए। अरे धन की तो ऐसी तैसी, असली चीज तो मन होता है। लेकिन रौनक हाँ मुझे क्या मिलेगा? अरे तू भोले का भोला ही राज शिवचरण, तू क्या जाने कि मैंने क्या सोच रखा है।
बोल, गोमती को उम्र भर तू खेतों में बिठाए रखेगा है? मैं सिर्फ अपने लड़के की बेहतरी नहीं सोचता, तुम्हारी बेटी की जिंदगी का भी ख्याल है। गोमती मेरी बहू बनेगी बहू, बोलो फिर तो एहसान का बोझ उतर जाएगा। रौनक, पैसे के मामले में मैंने बड़े बड़ों की दोस्ती टूटती हुई देखी। तुम जानो मैं कोई रईस तो हूं नहीं, फिर भी तुम्हें 500 रुपए देता हूँ। और इसके अलावा जब भी कभी तुम्हारे लड़के को पढ़ाई के लिए खर्चे की जरूरत हो तो वो भी मैं दे दिया करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात मुझे लिखकर देनी होगी कि तुम्हारा लड़का करेगा मंजूर। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मेरे दिल में कोई जोर थोड़े ही है, लेकिन शिवचरण अगर किसी वजह से तुम अपनी लड़की का हाथ मेरे लड़के के हाथ में देने से मुकर गए तो उस सूरत में मैंने जितना रुपया तुम्हें दिया सब जब्त कर लेना। इतना ही नहीं, हाँ, मेरा मकान और जमीन भी ले लेना। और अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मेरी खेती बाड़ी और मकान सब पर तुम कब्जा कर लेना। लाओ कागज, लाओ ये लो। आओ आओ, कहाँ जा रही हो शर्मा कर? वो मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी। अरे जा क्या रही थी, तू तो है ही मेरे घर की। ये लो। चाची, चाची आओ। गोमती कैसे आई बेटे? चाची मैं तुम्हीं से मिलने आई। जानती हूँ किससे मिलने आई है। चलो जैसे भी आई, आ तो गई। अगर तू खेतों की तरफ जा रही है तो ये बर्फी बंसी के लिए ले जा, सुबह से कुछ खा पी कर नहीं गया। ले। अच्छा लाओ। तेरे हाथ में क्या है री? चाची ये भी बर्फी है, वो अपने लिए ले जा रही। जानती हूँ किसके लिए ले जा रही है। ए पेटू, कुछ खाएगा? ए छोरी क्या बकती है, अरे ढंग से बात कर। पेटू वेटू कहा तो वो झापड़। अरे जा जा, बढ़ाया झापड़ देने वाला। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे मुझे खरीद लिया। हाँ हाँ खरीद लेंगे, तेरा मौका तो आने दे। अरे इतनी कड़ी धूप में तेरे लिए बर्फी लेकर आ रही हूँ और तू अकड़ रहा है। चल क्या रही है? चुप, चल मुँह खोल। अरे दोनों बातें कैसे हो सकती है, चुप भी रहो और मुँह भी खोलो। बोल कैसी है मेरी बर्फी? खाना तो देना। बोल बोल ना। वाह जवाब नहीं, तेरे हाथ की बर्फी मीठी नहीं होगी। अच्छा ये खा, चाची ने भेजी। मानी ने भेजी? ला 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 ला। बोल ये कैसी लगी? अरे गोमी बर्फी के सामने तेरी बर्फी तो फीकी पड़ गई। हाँ, अमृत है अमृत। इसका मतलब ये कि मेरी बर्फी अच्छी नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी थी। क्या मैं तेरे साथ नहीं बोलती? हाय 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 गोमी तू तो रूठ गई। अरे पगली जब मैं तुझे जोरू बनाऊंगा तो माँ से कह दूंगा वो तुझे बर्फी बनाना सिखा देगी। अरे जा जोरू बनाएगा। हाँ। ये मुँह और मसूर की दाल। अरे माँ के लाडले जो पहली बर्फी खाई थी ना वो चाची की थी, दूसरी मेरी। कैसे बोल? दूसरी मेरी। बोल कौन सी अच्छी थी? बना गई मुझे तो सही। गोमी ठहरना, कहती नहीं। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी।
पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो तुम। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओ अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो नाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा लूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। तू इस इलाके का होने वाला इनकम टैक्स कमिश्नर, यानी मेरे अरमानों की तस्वीर। देख कॉलेज में पढ़ लिख कर मेरे सब अरमान पूरे कर देना। दीपू, अरे दीपू, अरे भैया, अरे तू तो पूरा अंग्रेज हो गया। जंगली कहीं का, सब कपड़े खराब कर दिए उसके। बाबा ये जंगली का जंगली रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। दीपू, छोटे बड़ों से इस तरह की बातचीत करते हैं? बड़े भाई को प्रणाम कर। तू बीच में जरूर बोलेगी। अरे बंसी तू मुंह क्या देख रहा है, सामान गाड़ी में रख और दीपू को स्टेशन छोड़ा। क्यों, गाड़ी वाला नहीं आया? तू मूर्ख की मूर्ख ही रहेगी, भला गाड़ी वाले क्या जरूरत है। अरे भाई को भाई छोड़ आएगा। ठीक है बाबा, ये ले बेटा। लेकिन बाबा इससे क्या बनेगा शहर में, कॉलेज की पढ़ाई है, कोई मजाक नहीं। आप और रुपए दीजिए वरना मैं कपड़े उतारता हूँ। अरे दीपू, ये ले मुझसे 100 रुपये, कल जिम्मेदार साहब ने इनाम दिया था ना मुझे। अच्छा हुआ तेरे काम आ गए। बंसी, तू कितने बरसों से एक सोने की अंगूठी के लिए तरस रहा है। अरे तू चुप भी रहे, हल चलाने वाले कहीं सोने की अंगूठियां पहनते हैं? हाँ बाबा, अंगूठियां तो दिखावे के लिए होती हैं, पर माँ दीपू की पढ़ाई बहुत जरूरी है। चल दीपू चल, गाड़ी ना छूट जाए। ओहो, बंसी रख दे सामान। अच्छा माँ जी, तेरा हो बेटे। ओ क्या कर रही हो माँ, मेरे सारे बाल लेके खराब कर दिए तुमने। दीपू ये ले। ओ इसकी क्या बात है, जल्दी चल। आ रहा हूँ, काम चिल्ला रहा। अच्छा बाबा जीते रहो बेटा, चल भाई तेरो। देख लेना ये तेरा बेटा जो आज बैलगाड़ी में जा रहा है, एक दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा और मोटर पर सवार होकर इस गांव में आएगा। भगवान हमें वो दिन जल्द दिखाए, क्या ही अच्छा होता अगर दीपू की तरह बंसी को भी पढ़ा देते। क्या उस बेचारे की किस्मत में धूप और बरसात ही लिखी है। तुझे कुछ समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। अरे बंसी दीपू से बहुत मजे में, बेचारे दीपू को तो दिन रात जाग कर पढ़ाई करनी होगी, और ये तो यहाँ मजे से दिन भर गांव में खुली हवा खाता है,
और रात को लंबी तान कर सोता है। चल चल अंदर चल अंदर चल। क्या पेटी भी इतना समझ के ले जा रहा है क्या? अरे प्लेटफॉर्म सेठ तू आज क्या मेरे ही ठेले पर सो गए थे? ओह अबे बस समझ ले के तेरे नसीब खुल गए। याद है जब मैं एक बार 112 नंबर के ठेले पे सो गया था, बस उसी दिन उसका ठेला चोरी हो गया था। तो फिर मेरे भी नसीब खुल गए। अबे आगे तो सुन, वो बेचारा कूली ठेले की तलाश में मारा मारा और वो ठेला उसे माल गोदाम के पीछे मिला और वो ठेले के नीचे 2000 तोला सोना बंधा हुआ था, स्मगलिंग का माल। कोई आदमी पुलिस के डर से भाग गया उसे वही छोड़कर, मगर जानता अपने कुली भाई ने क्या किया, सारा सोना उठा के डिफेंस फंड में दे दिया। तू भी आज की सारी कमाई डिफेंस फंड में देना। क्यों नहीं क्यों नहीं, तेरा भी जवाब नहीं प्लेटफॉर्म। लो गाड़ी आ गई। आइए बाबू कश्मीर होटल चलिए, खाना पीना पलंग और टूटी हुई सुराई के साथ 4 रुपए रोज खटमल काटते। अरे भाई हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ तो जाओ अपने घर, यहाँ के रहने वाले। वो साहब छोटी टैक्सी लाऊं या बड़ी टैक्सी लाऊं? नहीं नहीं अपने कार आई हुई है। हाँ तो जाके हॉर्न बजा, कार आई हुई है। पता नहीं सब कड़के आ रहे। तो बाबू बाबू चलिए मेरे साथ। कहाँ जहाँ आपको जाना? अरे भाई मुझे तो सिटी कॉलेज तक ही जाना है। मगर क्यों अपने माँ बाप के पैसे जाया कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें उस कॉलेज में दाखिल करा दूं जहाँ का प्रिंसिपल मैं हूँ। तो आपका कॉलेज भी है, आपका नाम? मुझे कहते हैं प्लेटफॉर्म MBBS। MBBS तो आप डॉक्टर भी हैं? ओहो यार MPPS, मेंबर ऑफ द पब्लिक प्लेटफॉर्म सोसाइटी। और मेरे कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ कॉमन सेंस। जा अपने रास्ता लो। यहाँ तो सब रास्ते अपने हैं, कौन सा लूं? ए भाई चाय में मक्खी है। 7 पैसे की चाय में मक्खी नहीं तो क्या हाथी मिलेगा? पीनी है तो पियो, नहीं तो चले जाओ। महक रही देवी बैठिए, टेबल वाला 2 पौना पानी कम लाना। यहाँ कोई टेबल वाला नहीं, मैं इस होटल की मालिक हूँ। लड़की होटल की मालिक? आप होटल चलाती हैं? और नहीं तो क्या घोड़ा गाड़ी चला? माफ करना बहुत कड़क है। तो बदकिस्मत थे यार जो आज तक इस होटल का पता नहीं चला। छोकरों की हाथ की चाय पी पी के तो नाक में दम आ गया। मुझे मिल गई है मोहब्बत की मंजिल, कोई पूछ ले ये दादन। तुम्हारा नाम क्या है? डबल रोटी। आहा डबल रोटी, इसका मतलब ये है कि माँ का नाम बेकरी होगा और बाप का नाम तंदूर। कुछ भी है हमें ये नाम पसंद है, जैसा धंधा वैसा नाम, इसे कहते हैं बिजनेस। डबल रोटी तुम अभी तक सिंगल हो क्या? अभी तक तो हूं। अगर तुम सिंगल हो तो क्यों ना हम दोनों मिलकर डबल हो जाएं? डबल? वो तस्वीर देखी? कौन है ये बोकुड़? हाँ साहब यही मेरे देखभाल करते। अच्छा बाप रे, ये तो बहुत तगड़ा है, छुरा भी है। यहाँ कॉलेज ऑफ कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए। ये गुंडा है? तो तुम उसे जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ, एक रोज मुझसे उलझ पड़ा था। मैंने भी वो रख के जमाया कि गधे की 32 ही बाहर आ गई और उसके बाद तांगे में डाल के अस्पताल पहुंचाया था।
बेवकूफ ने अभी तक मेरा टांगे के पैसे नहीं दिए। कदल, जब कभी तुझे ये बोकड़ मिले तो इससे मेरे पैसे मांग लेना और उससे कह देना कि प्लेटफॉर्म के मुंह ना लगे वरना। अच्छा, तो तुम्हारा नाम प्लेटफॉर्म है? हाँ, बहादुरों के नाम ऐसे ही होते हैं, प्लेटफॉर्म। हजारों आदमी हमारे ऊपर से चले गए मगर हम वैसे के वैसे ही खड़े। अच्छा, चाय के पैसे तो देते जाओ। वो तुम खान साहब से ले लेना और बाकी के पैसे मैं फिर कभी आके ले जाऊंगा। तुम भी मेरे खाते में एक लड्डू खा लो। लड्डू खा लो, होशियार बनता है। मैंने भी इसे इसी होटल में दरअसल बनाया तो मेरा नाम भी डबल रोटी नहीं। सुनिए, आपका बैग रह गया। अरे वाह, अजीब दिमाग है। अबे चिकन, ये दिमाग नहीं है। हाँ, दुनिया है दुनिया। दुनिया? हाँ, अब बताओ तुम्हारा कॉलेज अच्छा या हमारा कॉलेज ऑफ कॉमन सेंस। अरे तुमने उस लड़की के साथ भलाई की और वो मुंह फेर कर चली गई। अब तक अगर तुम हमारे कॉलेज में पढ़ रहे होते तो पता है क्या होता? क्या होता? वो लड़की तुम्हारे घर में अब तक रोटी पका रही होती। हाँ? आओ तुम्हें बताएं, दुनिया झुकती नहीं झुकाई जाती है। आओ। यारो यारो यारो, ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम यारो, ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम मतलब के सब बंदे हैं, यहाँ चोरी के सब धंधे हैं, कोई खीसा काटे हाथों से, कोई लूटे मीठी बातों से, बस फर्क है इतना चोरों में, कोई बड़ा कोई छोटा है। यारो ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम सभी झुकाते हैं, गिरते को सभी गिराते हैं, जो नैने पर गैला मारे उसको आदाब बजाते हैं, कुछ झूठ कहा हो भैया तो सर मेरा तेरा जूता है। जियो राम यारो, ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम यारो, ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम यारो, ये जो दुनिया है मैंने इसे देखा है, मैंने इसे समझा है, सब धोखा ही धोखा है। जियो राम जियो राम जियो राम जियो राम जियो राम। 200 रुपया, वाह वाह, 200 रुपए। इन साहब की बोली 200 रुपए, 200 रुपए एक, 200 रुपए दो। साहिबान, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं, खानदानी कुत्ता। रूस ने
जो चांद पर अपना रॉकेट भेजा था उसमें जो लायका नाम का कुत्ता था वो इसका दादा था। इसके अलावा इसका बाप, ओहो हो, इसके बाप का तो कहना ही क्या, कभी फेंकी हुई हड्डी नहीं चबाता था साहेबान। 250 वेरी गुड, 201 302 300 वेरी नाइस एक्सीलेंट, 300 301 325 वेरी गुड, 325 420 क्या नाम है आपका? जी जी, इनका नाम है प्रिंस दीपक। प्रिंस दीपक 420 दीपक 420 500 वेरी गुड, 600 नहीं 600 चुप है, जिद मत कर। सेक्रेटरी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, चाहे हमें 5,000 रुपए क्यों ना देने पड़ जाए तब भी हम ये कुत्ता जरूर खरीदेंगे। लेकिन हुजूर, ये तो देखिए सामने कौन है, एक शरीफ बाप की शरीफ बेटी, और फिर मर्द होकर औरत से मुकाबला करना, ये हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। मिस, कुत्ता आपका है। थैंक यू प्रिंस दीपक। यू वेलकम। थैंक यू सेक्रेटरी। कम जी, ये रहा मेरा कार्ड। सेक्रेटरी, यस, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप आज शाम को मेरे बंगले पर आकर चाय पी। जरूर जरूर। जी 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 जी, नहीं, आज हम लोग चोर बाजार जा रहे हैं, प्रिंस के लिए एक तलवार खरीदनी है। तो कोई बात नहीं, कल आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। जी हाँ, ओके ओके ओके, ओके, ओके। सुषमा आओ बेटा, आओ आओ। डैडी, स्वीट है। अरे बहुत प्यारा कुत्ता है। कुत्ता देखा चिकन, इसे कहते हैं कॉलेज ऑफ कॉमन सेंस का पहला सबक, दुनिया आप नहीं झुकती, झुकाई जाती आप। टिप टॉप, हाँ, निकाल 450 रुपए। किस बात के? अच्छा बेटा, हमी से वो कुत्ता 500 रुपए का था क्या? अबे उस कुत्ते के खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुत्ते का दादा महमूद कसाई की दुकान के सामने हड्डियों के लिए दुम हिलाया करता था, वो तो जिद में आके हमने उसका भाव बढ़ा दिया। क्यों चिकन? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे मेरा पैसा। अरे आवाज मत निकालता, 50 रुपए पैसा ले गया। ए धन्नो, अरे ओ धन्नो, आई आई। क्या है जी? एक शहंशाह ने कुत्ते का सहारा लेकर अपनी बेटी की मोहब्बत का बसाया है जहां। कुत्ता? कुत्ते के घर में क्या जरूरत है? मम्मी तुम्हें क्या पता, ये कुत्ता बड़ा खानदानी है। खानदानी है तो तुम्हें कौन सी उसकी पूजा करनी है? अरे भाई, पूजा कर भी ले तो क्या हर्ज है, जब तेरी मेरी शादी हुई थी तो मैंने पूरे 300 रुपए खर्च किए थे, आज तक तेरी पूजा कर रहा हूँ। शादी पर 300 खर्च हुए थे और कुत्ते पर 500, तो क्या कुत्ते की पूजा नहीं हो सकती है? तो फिर ये घर में कुत्ते से चलाइए, खुद तो बिगड़े नवाब भाई ही, ऊपर से अपनी आदतें अपनी बेटी को सिखा रहे हैं। अरे जरा तो सोचो, शादी के बाद लड़की पराए घर जाने वाली है, जो वक्त वो कुत्ते खरीदने में खराब करती है उससे आधा वक्त वो रसोई में बैठे तो खाना पकाना सीख जाए। क्या जरूरत है मेरी बेटी को चूल्हे में सर झोंकने की, जहां जाएगी 100-100 नौकर आगे पीछे होंगे। तो क्या कोई लड़का देख लिया है? नीलामी की दुकान पर मिल गया है। हराम, तो क्या आजकल दामादों की भी नीलामी होती है? धन्नो, तू धन्नो ही रही। अरे कमबख्त, वो जो लड़का 5,000 का कुत्ता ले रहा था वही मेरा दामाद बनेगा। धन्य हो, ना कभी देखा ना सुना कि नीलामी की दुकान में दामाद मिलते हैं, ना जात पात पूछी ना घर बार देखा और दामाद बना लिया। तू कभी नहीं समझेगी, जरा खोपड़ी में थोड़ी सी अकल रख और फिर सोच कि जो आदमी 5,000 का कुत्ता खरीद रहा है वो कोई घसियारा नहीं हो सकता, जरूर किसी रियासत का राजकुमार होगा। डैडी, 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 इसका नाम राजकुमार रखा है? इसका नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तू कहाँ जा रही है? मैं अपनी सहेली को कुत्ता दिखाने जा रही हूँ। हाँ जरूर जाओ, और कुत्ते को सहेलियां भी दिखा देना है। चाची, ओ चाची। क्या है बेटी गोमती? अरे ये गन्ने कहाँ से उठा लाई? कोई ढेर सारे दे गया, सोचा
चाची को दे आऊं। जानती हूँ मेरे बंसी को गन्ने का रस बहुत पसंद है। सुबह से पास के गांव में मेला देखने गया है, आता ही होगा। अरे तू क्यों नहीं गई? बाबा ने मुझे अकेला नहीं भेजा। बंसी जा रहा था, उसके साथ चले जाना था। मुझे क्या पता। माँ माँ ले, वो आ गया। देख माँ, मेरे से मैं तेरे लिए क्या लाया। अरे सब कुछ मेरे लिए ही लाया है। या पता वो क्या है तेरे हाथ में? ये वो कहाँ है माँ? वो पीछे वाले हाथ में क्या है बता बता, मैं कहती हूँ। बंगड़ी है, किसके लिए लाया है? वो है ना। अच्छा, माँ वो समझ गई। ले, जिसके लिए लाया है ना उसी को दे दे। अरे ये क्या जुलूम, नाजुक से सर पे पहाड़ का बोझ। ला 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 ला, कहीं मोच ना आ जाए। रहने दे बातें, अकेला अकेला मेला दिखाया। अरे इतनी दूर तुझे अपने साथ कहाँ ले जाता? हाँ हाँ, मुझे ले जाता तो दूसरी लड़कियों को ताकने का मौका कैसे मिलता। अरे गोमी, जिसने तुझे देख लिया उसने सारी दुनिया को देख लिया। बड़ा हाथ, चल तुझे अपने हाथों से बंगड़ियां पहनो। लाना हाथ। अरे रे, क्या कर रहे हो जी? चाची तक तो ठीक है, कहीं चाचा आ गए तो? अरे बाबा तो दीपू से मिलने शहर गए हुए हैं। ला हाथ। कितना सख्त है। अरे सख्त क्यों ना हो, तीन पेट जो पालने हैं। तीन? हाँ हाँ तीन, एक मेरे बाबा, दूसरी मेरी माँ और तीसरी लाहौर। ये लाल मेरे प्यार की, ये हरी घरवार की, और ये नीली। मैं बताऊं? नहीं जी, मुझे शर्म आती है। बता ना, क्या बात आई तेरे दिमाग में? ये नीली मेरे नीली आंखों वाले दिलदार की। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी जू, माफ कीजिए हमें दो मिनट देर हो गई। कोई बात नहीं, तकलीफ बैठिए। आइए। हेलो, बैठो। थैंक यू थैंक यू। हाँ बैठो बैठो। कहिए, आपने वो टीपू सुल्तान की तलवार खरीदी? जी हाँ। वो लेकिन साहब उसमें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। वहां पहुंचने पर पता चला कि वो तलवार नहीं बल्कि तोप है। तो धन्ना, अरे ओ धन्ना। देखिए नौकरानी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग चाय पी के आए हैं। जी धन्नो मेरी बीवी है, नौकरानी नहीं जी। तो आई एम सॉरी। आओ धन्नो, आओ आओ। जानते हो ये कौन है? ये वही है जिनके बारे में मैंने सुबह जिक्र किया था। वो कुत्ता। कुत्ता? हाँ, कुत्ता? हाँ, मैंने ही मम्मी को बताया था कि आपकी मेहरबानी से हमें कुत्ता मिला। अच्छा, वैसे बाय द वे इस मकान का किराया क्या देते हैं आप लोग? जी बाय द वे ये मकान मेरा खुद का है। अच्छा जी, शहर में चार मकान ऐसे और हैं जो मैंने किराए पे उठा रखे हैं। अच्छा, गांव में खेती बाड़ी का तो कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, गुजारे के लिए काफी है। हमारे बॉस के 121 मकान हैं। अच्छा। एक रबर की फैक्ट्री है। अच्छा। और दो दो मिले, तीन तीन मील लंबी। अच्छा। और दो कोयले की काने। जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? रंगून। जी रंगून आपका? जी नहीं, किसी जमाने में इनका था, अब तो इनके पिताजी ने बेच दिया है और मलाया चले गए। मलाया? जी हाँ। मैंने कहीं आपको पहले भी देखा है। जी आपने मुझे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। प्लेटफॉर्म? जी हाँ, अक्सर मेरा दिन का हिस्सा प्लेटफॉर्म पर ही गुजरता है। जब कभी मैं बैठे बिठाए बोर हो जाता हूँ तो स्टेशन के बाहर अपनी कार पार्क करके आते जाते लोगों की सूरत नोट करता हूँ। दैट्स माय हॉबी। वेरी गुड हॉबी, वेरी गुड हॉबी। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कि आप पियेंगे क्या अभी? जी आप मेरे लिए उल्टिन मंगवा दीजिए और चिकन, मेरा मतलब है बॉस के लिए ठंडा पानी। ठंडा पानी? ठंडे पानी पे एक शेर याद आ गया, तलब जो की मेरे दिलबर ने ठंडे पानी की, तो याद आ गई गर्मी मुझे जवानी की। वाह। आप पहली बार हमारे घर तशरीफ लाए हैं, कुछ खातर तवाजो का मौका दीजिए। सर्टेनली विद प्लेजर। बेटी सुषमा, राजकुमार साहब को ऊपर ले जाओ और मकान दिखा।
अच्छी तरह जरा बंगला बंगला दिखा दे। चलिए। आज आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए ओवल्टीन आ रही है जी। आप ओवल्टीन ऊपर भेज दीजिए। प्लेटफॉर्म, वो जो सिंगापुर से बैंक में रुपया ट्रांसफर होना था वो हुआ कि नहीं जरा पता करके तो? वो बैंक बंद हो गया। हाँ याद आया, वो मद्रास के स्वामीनाथन कंपनी को ट्रंक कॉल करना है। मद्रास की लाइन तो आज सुबह से ही आउट ऑफ ऑर्डर है। तो एक काम करो ना, वो जो अंडमान से खान बहादुर करीम अली खान मेरे लिए बालों का तेल लेके आए वो तो लेके आओ। वो बेचारे तो परसों ही मर गए थे, उनकी फैयत पे तुम भी तो रो रहे थे। तो जो भी जिंदा है उसके पास जाओ मगर जाओ। लेकिन बॉस मैं अपनी व्यू कार नहीं लाया हूँ। अच्छा मैं टैक्सी में जाता हूँ, आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 100 रुपए का नोट है। देखा, कभी कभी नीलामी की दुकान पर भी हीरे जैसा दामाद मिल जाता है। हीरा हो या पन्ना, इस तरह पराए लड़के के साथ अकेली लड़की को भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे अच्छे लगने से क्या होता है, तेरी बेटी को तो अच्छा लगता है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, जवाब अपना अपना और सवाल अपना अपना। इतना रईस आदमी है तो क्या वो हमारी ही लड़की से बहेगा? अरे हम किससे कम है, अगर वो करोड़पति है तो हम भी तो तेरे पति हैं। आजकल के लड़के घरवार नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं। 2-4 मिनट में रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर उसके बाप को तार डाल देंगे और शादी पक्की कर देंगे। नमस्ते सरकार। और रौनक लाल। राजा जी ये केले देखिए, अपने बगीचे में हुए। रौनक लाल तुम बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो और वो भी केले लेकर। मैंने सुषमा के लिए करीब करीब 1 करोड़पति वर पक्का कर लिया है। दादा उसका रंगून का बादशाह था और बाप मलाया में जागीरदार। बाप उनके मलाया में रहते हैं? अजी कहीं भी रहते होंगे ससुरे, हमें उनसे क्या लेना देना है, हमें तो लड़के से वास्ता है। ठीक है ठीक है, लड़का दिखा। बेटी सुषमा। आई डैडी। अभी आई। क्या है डैडी? जरा राजकुमार साहब को लाओ। रहने दीजिए ना राजा जी, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, आज न सही शादी के दिन देख लूंगा। बेटे वहीं रहो, बातें करो बातें। अच्छा रौनक लाल सरकार, लड़का खूबसूरत है तो जी भर के, खानदान है तो आह, दौलत है तो वाह वाह वाह, मोटर है तो हाय 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 28 फुट लंबी। देखो सुषमा, बार बार तुम ये क्यों कहती हो कि मैं तुमसे कहीं बढ़कर अमीर हूं? जानती हो तुम्हारी एक मुस्कान की क्या कीमत है? मैं क्या जानू? 1 खजाना। सच? झूठ बेगानों से बोला जाता है, अपनों से नहीं। तो क्या आपके डैडी मुझे स्वीकार कर लेंगे? सर आंखों में बिठा लेंगे। मैं आज ही उन्हें ट्रंक कॉल कर देता हूं कि मेरे सपनों की रानी मुझे मिल। बंद कर म्यूजिक, बंद कर। अबे ये क्या खराया समझ कर बिस्तर लगा लिया? देखो ना, अबे उठता के नहीं पैसे की तरह सोया हुआ, घोड़े पेच के सोया मालूम पड़ता। पिताजी आप चिकन, ये तेरे पिताजी हैं? हाँ चलेगा। नमस्ते चाचा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। लो दरवाजा खोल। बीबू बेटा बाहर गए थे, दरवाजा बंद था, इंतजार करते करते आंख लग गई। पिताजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताब पढ़ा, बहुत मुश्किल किताब रही होगी बेटा। जी बेटा ये साहब हैं कौन? ये लोफर है पिताजी। लोफर क्या होता है बेटा? जी जी जी, बहुत बड़ा आदमी होता है। इतने बड़े आदमी होकर अभी तक किताब ही पढ़ते हो? जी चाचा जी मैं दूसरी किताब पढ़ता हूँ। जी हाँ, लाइब्रेरी में नहीं, चाय की दुकान में, यूं ही दिल बहलाने की। कोई बात नहीं, जीते रहो बेटा। बेटा ये 100 रुपए किताबों के लिए। सिर्फ 100 रुपए पिताजी? जी 100 रुपया तो इसकी नई क्लास में खत्म हो जाएगा। तो क्या ये एक क्लास पास हो गया? जी इंट्रोडक्शन पास करके अब ये रोमांस की क्लास में दाखिल हो गया है। आशीर्वाद दीजिए। अच्छा बेटा
मैं गांव जाकर देखूंगा और जो कुछ हो सका भेज दूंगा। अच्छा पिता। अच्छा चाचा जी। एक सिंगल चाय। डबल रोटी। मगर ये पठान कहां से बीच में आटा पक पड़ा? इन बिटवीन कोई बात नहीं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोटी बोलती माँ। यखो बोलते इंसान आए, उठ 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 उठ। मर गया ये लेसर अठांगे का खिराया। इसकी क्या जरूरत है खास साहब, आप चाय पियो ना, एक आधा सिंगल लाना भाई। खास साहब पाव रोटी ने जो कुछ भी कहा मिली नहीं, डबल रोटी ने जो कुछ भी कहा था सब बंडल कहा था। खान साहब नाक की हड्डी तो मेरी टूटी है। खान साहब, खान साहब इसे दूर रखो। खान साहब इसमें जंग लगा हुआ है, मुझे टिटनेस हो जाएगा। नहीं मंगा। नहीं खान साहब मेरे पास दो दो है छुरी, मैं आपको दे दूंगा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। खान साहब खुदा आप इसका औलाद हो, किधर जाता किधर जाता है, सूरत देख के पसीना छूट गया। डबल रोटी नजर तुम्हारा। नहीं 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 खान साहब ऐसा मत बोलो। खान साहब मैं तो लक्ष्मण हूँ। खान साहब मैं औरत का मुंह नहीं देखता, मैं तो औरत का पांव देखता हूँ। मजनू के सर की कसम खान साहब, पराई औरत को देखना मैं पाप समझता हूँ। दिल में कुछ दबान पर कुछ, डबल रोटी पर नजर उठाया पठान ने, तुम्हारा आटा बनाया, समझा? समझा समझा खान साहब, तुम्हारी बात मेरी खोपड़ी में बर्फ की तरह जम के रह गई है। बोल डबल रोटी तेरा क्या लगती? माँ बहन बेटी ये तीन अल्फाज छोड़ के बाकी जो कहोगे मैं कहूँ। बाकी क्या रह गया? खाला चिचानी। खान साहब हमको माफ कर दो। माफ कर दो एक शरत। बोलो। खुदा का कसम पठान गुस्सा नहीं खाएगा। हाँ। पठान का वादा सरकारी हुंडी। मगर हमको उधार नहीं चाहिए। क्या बोल डबल रोटी को सच्ची मोहब्बत करते? क्या? नहीं नहीं मैं नहीं करती, नहीं करती। खान साहब, खान साहब इसको दूर रखो। खान साहब हम आपको बताता है। खान साहब जब मैंने डबल रोटी को पहली बार देखा था तो मेरा दिल भी केक बन गया था। खान साहब लेकिन अब कुछ नहीं, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आइंदा अगर मैं इस होटल में कभी भी आऊं तो तुम मुझे जूते मार। खामोश बुलबुल, तुमको रोज इधर आना पड़ेगा, डबल रोटी का हाथ बटाना पड़ेगा। अच्छा जाओ एक प्याले चाय बनाओ हमको दे। जरूर क्यों नहीं, मोहब्बत में लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए, क्या हम एक प्याली चाय नहीं खो सकते? सिंगल लो या डबल? चाय लाओ। ए, क्या करते है तुम? चाय बनाने का भी लायक नहीं, जाओ और टेबल पर जाकर कपड़ा मारो। जाओ। मारता है? जाओ। कपड़ा मार, टेबल साफ कर, इश्क किया है तो बेटा मर। ओए 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 क्या करता है, क्या करता है? अरे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म तू यहाँ क्या टेबल साफ कर रहे हैं तू? हाँ हाँ यार वो गड़बड़ हो गई, वो क्या वो मेरे हाथ से एक चाय का प्याला गिर गया, इसलिए सब गीला हो गया था, साफ कर रहा। इधर इधर बाय द वे जरा इनसे मिलने, ये है खान साहब चिलगोजा ऑफ भोपाल और ये है दीपक दी फ्लेम ऑफ अर्थ। खान खान साहब वो क्या पिएगा? नहीं ये नहीं पिएगा। हम अजीब खान साहब दोस्त है। एक प्लेटफॉर्म, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, ठीक आधे घंटे के बाद मुझे लक्ष्मी प्रसाद के यहाँ टेलीफोन कर देना और बात ऐसे करना जैसे तू मेरा बाप बोल रहा है। इसमें क्या शक है यार, पैदा किया तुझे तेरे माँ बाप ने लेकिन दुनिया तो हमने दिखाई है कॉलेज ऑफ कॉमन। ये मजाक की बात नहीं है, प्लेटफॉर्म समझने की कोशिश कर। इट इज द फ्रैक्चर ऑफ अर्थ। हाँ मिस्टर दीपक आपका पिनांग से तरुणकाल आया। एक्सक्यूज मी, मैंने एक्सचेंज में आपका टेलीफोन नंबर दे दिया। आज नंबर किसका है, घर किसका है, पांव किसका है, सर किसका है, सब कुछ आप ही का तो है। शुक्रिया मैं अभी हाजिर होता हूँ। हाँ कोई बात। एक्सक्यूज मी। हेलो पेनांग। यस दीपक है। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? जी तो रहो बेटा। डैडी आपके लिए बहुत अच्छी बहू ढूंढी है, बड़ा ऊंचा घराना है,
और लड़की भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ बेटा मैंने भी ढूंढ लिए मेरे लिए। लेकिन डैडी अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, करोड़पति ना हुए तो क्या हुआ, तो आपको मंजूर है ना? ओह थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच, यू आर रियली वंडरफुल। क्या कहा, तो आप शादी पे नहीं आ सकेंगे? कोई बात नहीं डैडी, कोई बात नहीं, आपकी खातिर हम रिसेप्शन बाद में कर लेंगे। अरे हाँ याद आया डैडी, वो बेरियन कंपनी से जो 15 लाख रुपए आना था, वो 15 रोज उसकी मोहलत चाहते हैं। अबे गधा तू 15 लाख की बात करता है या चाय पीने के लिए एक आना नहीं है, आते वक्त माल लेकर आना, काट डाल बुड्ढे को। ओके ओके डैडी, वो अब की बार जेब खर्च पहुंचा नहीं है, 10,000 रुपए जल्दी भेज दीजिए ना प्लीज। धन्नो, अरे ओ धन्नो, सुना तुमने 10,000 रुपया जेब खर्च मांगा उसने बाप अपने से, क्या नसीब पाया हमारी सुषमा ने। ये सब किस्मत के खेल। अजी सुनिए खुशखबरी सुनाओ आपको, डैडी ने मंजूरी दे दी। अरे वेरी गुड, मगर वो शादी पे नहीं आ सकेंगे, उन्हें 2 महीनों के लिए टोक्यो जाना है। तो कोई हर्ज नहीं है, शादी यहाँ हो जाएगी और दर्शन उनके टोक्यो में। गुड वंडरफुल, तो मैं मुहूर्त निकलवाऊ शौक से। एक बात पूछना भूल गया यार, ये एरिया ड्राई है या दीपू मामला दीपू चिकन, ये तेरा नौकर है क्या, क्या करते हो बंसी? मट्टी से भरे हाथ लगाकर सारे कोर्ट का सत्यानाश कर। अरे पगले, कोर्ट तो बहुत मिल जाते हैं मगर भैया का प्यार कब मिलता है। यू आर राइट माँ, तू भी चल 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 अंदर चल। ओ लोफर बेटा भी आया है साथ में। अंकल हाउ डू यू डू, बुड्ढा आदमी हूँ बेटा, बुड्ढा आदमी हूँ। चलो चलो चल 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 चल, क्या देख रहा है, सामान ले अंदर। अंकल बेटा, अंकल आप रात को यहाँ क्या गाय भैंस बांधते हैं, गोबर की बदबू आती है। बेटा ये गांव है ना गांव। ओ आई थी बेटा, ये सिगरेट नहीं है, हुक्का है, हुक्का है। पिताजी बेटा यहाँ तो मेरी नाक सड़ी जा रही है, जी चाहता यहाँ से फौरन शहर वापस चला जाऊं। यू राइट, जिस धरती ने तुझे जन्म दिया 2 दिन शहर रहकर उसे ही गाली देने लगा। तू चुप रहना बेटा, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम सरकारी बंगले में कर देता हूँ, बाहर से जो भी कलेक्टर कमिश्नर पुलिस कप्तान आता है सब वहीं रहते। आई डिसमेंटल यू डीजी। बट अंकल बंगला तो सरकारी होगा, क्या खाना भी सरकारी होगा? क्या कह रहे हो बेटा, दोनों का खाना बंसी आकर वहां दे जाया करेगा। हाँ भी ढील नहीं देनी चाहिए कि वो अपने गाँव में आकर अपने घर को छोड़कर सरकारी बंगले में रहे। माँ तेरे विचार पुराने ही रहे, एक दिन इसे बड़ा अफसर बनना है, ऐसे ही बंगलों में रहना है, फिर अभी से क्यों ना आदत डाले। दीपो चल चल आ। गोमी ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए, ये शर्म से दहके गाल चैन के दुश्मन हो गए, ये उलझे उलझे बाल दिलों की उलझन हो गए। तेरे गालों की खैर, तेरे बालों की खैर, तेरे गालों की खैर, तेरे बालों की खैर, क्यों ना जुल्मियों जालिम
भूला जाना है तेरा ये झुके झुके नैना ये लट बल खाते तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुके नैना तेरी जुल्फ का साथी बनता अगर मैं गजरा होता तेरी जुल्फ का साथी बनता अगर मैं गजरा होता तेरी अखियों में बस जाता अगर मैं गजरा होता तेरे गजरे की खैर तेरे गजरे की खैर तेरे गजरे की खैर तेरे गजरे की खैर जो भी देखे ना कैसे निशाना हो तेरा ये झुके झुके नैना ये लट बल खाते तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुके नैना देखे मोर चकोर चालना ऐसी देखी कई देखे मोर चकोर चालना ऐसी देखी ये कमर लचकती डाल डालना ऐसी देखी ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप ये रंग ये रूप जैसे चढ़ती हो धूप गोरी फिर क्यों ना सारा जमाना हो तेरा ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुके नैना ये लट बल खाती तो दिल क्यों ना मेरा दीवाना हो तेरा ये झुके झुके नैना कौन शुकरन राम 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 सुना है दीपू आया है आज ही आया है अच्छा अपना वादा पूरा कर घूमती है बच्ची तो नहीं रही आखिर कब तक उसे घर में बिठाए रखो तो भैया इसमें मुझे क्या इनकार हो सकता है पर एक बार दीपू से भी पूछ लेना जरूरी है ना हाँ हाँ जरूर पूछ लो दीपू को क्या इनकार हो सकता है भैया ये तो ऐसे ही बज रहा है अच्छा, अच्छा तो मैं कल आऊंगा तुम्हारा घर है भैया रोज आओ भैया राम 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 ये किसके रिश्ते की बात कर रहे थे दीपू के गोमती से क्यों क्या अर्ज पागल हो गए हो जानते नहीं गोमती का जन्म किसके लिए हुआ है ये क्या पहेलियां बुझा रही है कोई पहेली नहीं सच कह रही हूँ गोमती बंसी की है वो एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते बंसी क्या तू चाहती है कि उस गंवार की शादी में गोमती से कर दूं गंवार कहते हो उसे दिन रात मेहनत करके हम सब का पेट पालता है हमारे एक एक इशारे पर अपनी पलके बिछाता है याद रखो जो अगर फिर कभी ऐसे नाम से मेरे बेटे को पुकारा ऐसी माँ है तू अपनी गोद से जन्म दिए हुए दीपू को पराया समझती है और उस गोद ले हुए बंसी को अपना ये क्यों भूल जाती कि बंसी तेरा अपना बेटा नहीं माँ 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 क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं चुप क्यों हो भगवान की कसम जो भी सच है बता दो ना माँ बताओ माँ से क्या पूछता है सुनना है तो मुझसे सुन वो हमारी औलाद नहीं है बाबा क्या मैं सचमुच तुम्हारी औलाद नहीं नहीं ऐसा ना कहो बाबा ऐसा ना कहो मेरे शरीर में तुम्हारा खून न सही
लेकिन मेरे जीवन में तुम्हारा प्यार तो मिला है। ये मेरी मां है सही, लेकिन इसकी ममता तो मेरे रोम रोम में है। मैं किसी का भी बेटा क्यों ना हूं, लेकिन मेरे माँ बाप तो तुम हो। नमक हराम, यात्री दो घड़ी भी जिस पेड़ की छांव में बैठता है तो जाते वक्त उसे प्रणाम करके जाता है, और तू सारी उम्र मेरे टुकड़ों पर पलता रहा, और उसका फल तूने मुझे ये दिया कि जिस लड़की के साथ मैंने दीपू की शादी के लिए सोचा, तू उसी के साथ प्यार की पेंगे बढ़ाने लगा। गुमती, गुमती दीपू के लिए? बाबा मुझे कुछ पता नहीं, अगर मुझे जरा सा भी मालूम होता तो मैं उस रास्ते से न गुजरता जहां गोमती के पांव के निशान है। जानता हूं तुझे हमेशा दीपक से बैठ रहा। नहीं बाबा। नहीं बाबा का बच्चा, ऊपर से तू हमेशा मीठा मीठा बनता रहा लेकिन अंदर से पूरा जहरी। बाबा कोसो, जी भर के कोस लो इसे, लेकिन ये ना भूलो कि उस भले आदमी ने तुम्हें ये अमानत दी थी और उसके रक्षा के लिए बहुत कुछ दिया था। चुप रह तू, मैं शुरू से ही जानता था कि अपना खून अपना होता और पराया पराया। मैंने दीपू की पढ़ाई के लिए शिवचरणदास से कर्ज ले रखा है, हाथ काट कर दिए हुए, वादा कर रखा है उससे कि दीपू की शादी होगी तो गोमती के साथ, और तू ये चाहती है कि मैं अपना वचन तोड़ दूं, दुनिया के सामने दलील बनूं। बाबा मैं तुम्हारे वचन की लाज रखूंगा, मैं अभी जाकर गोमती को समझाता हूँ कि वो दीपू के लिए है, लेकिन भगवान के लिए मुझे पराया ना समझो, मुझे अपना कहो, मैं तुम्हारा हूं बाबा। बोल कौन? गोमती आंखें छोड़ दे। क्यों? हटाना हाथ। इसलिए कि तू खेतों को जाते हुए लड़कियों को ताड़े? गोमती अब मेरी आंखों में रोशनी कहां, जो मैं किसी को देखूं। अरे ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? ए बोल ना, अरे बोल ना। गोमती मैं एक भूल कर बैठा हूं, किसी को अपने साथ लेकर सफर निकला था, आधी राह में पता चला मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरा तो रास्ता ही कुछ और है। कैसा रास्ता? साफ साफ क्यों नहीं बोलता? मेरा दिल क्यों धड़क रहा है बंसी, बोल ना। गोमती तू मुझे चाहती है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा ये तो बता, अगर मुझे परदेश जाना पड़ा और मैं वापस नहीं लौट सका तब तू क्या करेगी? उम्र भर तेरा इंतजार करूंगी, और क्या। फर्ज करूं मैं मर गया तो? ऐसे नहीं बोला करते। अगर मैं तुझे धोखा दे जाऊं? धोखा? तू मुझे दे? क्या मैं अपने बंसी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मैं तुझसे कुछ मांग बैठा तो? आंखें ना मांगियो, बाकी सब तेरा। गुमती अगर मैं तुझसे ये कहूं कि तू मेरा हाथ छोड़कर दीपू का हाथ पकड़ ले? ये तू कह रहा है? हाँ गुमती, मोहब्बत ने हमसे मजाक किया है, मेरे बाबा ने तेरे पिता को कब से वचन दे रखा है कि दीपू की शादी तेरे साथ होगी। बंसी गोमती मेरा साथ दे, एक तरफ प्यार है एक तरफ फर्ज, मुझे फर्ज के रास्ते पे जाने दे। बंसी गोमती औलाद पे सबसे पहला अधिकार माँ बाप का होता है, मैं अपने सीने पे पत्थर रख सकता हूँ लेकिन बाबा के दिव्य वचन को नहीं तोड़ सकता, बस ये समझ ले मैं एक सपना था, आंख खुली और टूट गया, एक हवा का झोंका था, इधर से आया उधर चला गया, मुझे भूल जा गोमती मुझे भूल जा। बंसी वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आ
जो भुला दे। क्या सुना है तूने? यही कि मेरे जीवन की डोर दीपू के हाथ दी जाएगी। तो हर्जी क्या है, दीपू अच्छा लिखा पढ़ा लड़का है और इससे अच्छा जीवन साथी तुझे कहाँ मिलेगा बेटी? नहीं बाबा। नहीं क्यों? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बच्चों की खुशी माँ बाप से ज्यादा और कौन समझ सकता है? बाबा अगर ये खुशी है तो मुझे दुनिया भर के गम दे दो, मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। गोमती, बाप के सामने सर उठाती है तो याद रख जो मैंने चाहा वही होगा। बाबा तुम कर लो अपनी खुशी पूरी, लेकिन याद रखो अगर दीपू से मेरा ब्याह हुआ तो पालकी नहीं इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। निर्लज, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तेरा अच्छा बुरा मैं समझता हूँ, आखिर मेरी भी तो इज्जत का सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि झूठी इज्जत के लिए मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। बाबा मुझे उस घर में देना है, बंसी के लिए देना। बंसी? तू पागल तो नहीं हो गई? एक पढ़े लिखे लड़के को छोड़कर उस कुमार की बनना चाहती है? ये हर चीज नहीं होगा। ये तुम क्या जुल्म कर रहे हो शिक्षा? तू काहे को राई का पहाड़ बना रही है? मुझे क्या मालूम कि मैं दीपू के लिए तेरा रिश्ता मांग रहा हूँ या बंसी के लिए। तू अंदर जा, तू जो कुछ चाहेगी वही होगा। जा अंदर, अंदर। ये क्या रहा ना? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे जरा समझ से काम लेना चाहिए। गोमती बच्ची तो ठहरी, अगर गुस्से में कुछ कर बैठी तो अच्छा होगा। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो बड़ों के मुंह लगे। तू चिंता करता है, मैं सब संभाल लूंगा।
माँ मैं खाने का नहीं तुम्हारी ममता का भूखा हूं। बाबा ने मुझे गलत क्यों समझा? अब भूल भी जा वो बात, मैं उन्हें समझा दूंगी। चल अब खा लेना खाना। बच्चा कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वो नन्ना ही रहता है। ले। आप तो झूठ खिला रही है। उठ। बता, तूने गोमती को क्या कहा? उसे समझाने गया था या भड़काने? जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं थी वो बाप के सामने भी भर गई। ये सब पट्टी तूने उसे पढ़ा। निकल निकल यहाँ से, घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। याद रख, घर तो घर, अगर गाँव में भी कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बाबा निकलता है वरना चमड़ा तोड़ूंगा। चमड़ा तोड़ के जवान बेटे पर हाथ उठाता तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे भी मजा सिखाता हूँ, ये तेरा ही बिगड़ा हुआ। बीच में है तो लोहा लुहान कर दूंगा। अबे तू मुंह क्या देखा? निकल निकल बाबा। नहीं 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 मानेगी बाबा। नहीं बाबा, बाबा मेरी माँ पे हाथ मत उठाओ। मैं घर तो क्या माँ के लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसे कुछ ना कहो, इसे कुछ ना कहो बाबा। तू क्या छोड़ेगा, मैं तुझे दिखाता हूँ। निकल निकल बाबा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले जिस माँ ने उम्र भर घी में गूंद गूंद के रोटी खिलाई है, उसके हाथ से एक मुट्ठी अनाज तो ले लेने दो। बंसी, क्या तू आज माँ के ही दरवाजे पर भिखारी हो गया? माँ, अगर मुझे भगवान से कुछ मांगना होगा तो यही मांगूंगा कि अगले जन्म में तू ही मेरी माँ हो। न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो आज मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा बनवा जा रहा है। माँ, माँ रो नहीं, रो नहीं, परदेसी बेटे को हंस के विदा कर दो। बंसी माँ, बंसी मेरे साथ। खबरदार जो आगे बढ़ा दो। कब से खामोश हो प्लेटफॉर्म यार, कुछ तो कहो। बेटा दीपक, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर तेरी शादी के साथ मेरी शादी भी हो जाए तो बड़ा मजा आता है, पिक्चर के साथ ट्रेलर का भी काम हो जाए। लेकिन उस बोकुल का क्या होगा? बोकुल? बोकुल कौन है भाई? यार वो दाढ़ी वाला पठान, मेरा ससुर। बाबू आप क्या और आप भी यहाँ? बैठो बैठो बैठो। यही तो मेरी जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपनी जमीनों से लौट रहे थे, शाम हो गई, सोचा रात इसी डाक बंगले में ही क्यों ना बसर कर ले। आपकी जमीनें यहाँ से कितनी दूर? यही कोई 80 मील, छोटा सा गाँव है, तुक्कापुर। क्या आपने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा? यस यस। चलो अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ हैं, आज की रात आप लोगों के साथ ही बसर हो जाएगी। तो मैं तो परसों ही आ जाता मगर शादी के बारे में दोस्तों से मशवरा करता रहा। दौलत राम जी, मेरा नाम दौलत राम नहीं है जी, लक्ष्मी प्रसाद है। दौलत राम मेरे बाप का नाम है। कुछ भी कहिए लक्ष्मी प्रसाद, आपका नाम मुझे पसंद कर देता है। एक तरफ लक्ष्मी, दूसरी तरफ दौलत, धनी धन धन्य हो। नमस्ते राजा जी। और रौनकलाल, बगीचे से आपके लिए आम लाया। अरे उस दिन केले लाया था, आज आम ले आया है, सब काम शुभ भी हो रहे हैं। अरे और रौनकलाल, ये घूर घूर कर क्या देख रहा है, मेरे दामाद को नजर लगाएगा? अब बेटा ये मेरा नौकर रौनक लाल है, जरा बदतमीज, गंवार और लालची है मगर काम बहुत अच्छा करता है। माफ करना सरकार, मैं तो इनके मुखड़े को देखता रह गया, बिल्कुल चांद जैसे हैं, चांद जैसे।
आप ही के पिताजी मलाया रहते हैं। क्यों, तुम्हें कोई शक है? सरकार, मुझे क्यों शक होने लगा? छोटे सरकार, मैं आपके कदमों की खाक हूँ। आप तो अमीर आदमी हैं, पर हमारे मालिक भी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल बराबर की जोड़ी है। लो बेटा, सिगरेट पियो। नहीं जी, आप ये पियो तो कल में कोई बात नहीं। सरकार, आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं? जरा मेरी भी जला देना। क्यों नहीं, क्यों नहीं? राजा जी, अब ये शादी जल्दी कर दीजिए, ताकि ये रौनक लाल भी जीते जी अपनी आंखों से ये रौनक देख ले सरकार। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अरे शिवचरण भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, दीपू ने हाँ कर दी। अच्छा हुआ। मगर गोमती से भी पूछ लिया? अरे गोमती से पूछने की क्या जरूरत है, नादान लड़की है, मैं उसे समझा दूंगा। बात ये है कि शादी 8-10 रोज में हो जानी चाहिए, और सगाई तो कल ही होनी चाहिए। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, आज हाँ और कल ना। तो मैं कल सुबह ही शहर जाकर सारा सामान ले आता हूँ, शाम को सगाई हो जाएगी। देख, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ना, आप गले मिल गया। छोटे सरकार, पिताजी राजा साहब कहाँ? पिताजी वो तो खेतों पे गए। बेटा तू ऐसा कर, आज ही यहाँ से चला जा। अगर किसी ने तुझे मेरा बेटा कहकर पुकार दिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। हाँ, मगर पिताजी वो शादी के लिए रुपया कहाँ से आएगा? बेटा तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा, बस तू होशियारी से काम करता जा। चाचा जी, रोकड़े की कुछ कमी होगी, 1-10 रुपया है अभी चाहिए बेटा? अच्छा, मैंने जो कुछ कहा है ख्याल रखना बेटा। हाँ पिताजी। बाप गुरु, मेरे ही बाप पे हाथ साफ कर गए। अबे चिकन, तू अपने बाप को रो रहा है? अगर मेरा बाप होता तो उसको भी नहीं छोड़ता। चल चल, शादी का इंतजाम। चाचा। बेटी, कहाँ है शिवचरण दास भाई? चाचा, वो तो शहर गए हैं, दोपहर को आएंगे। चाचा बैठो ना। भगवान, मेरा दोस्त भी नहीं है, ये मुसीबत में मैं किससे पूछूं, किससे मशविरा करूं? क्या कहूं गोमती, बंसी। बंसी, क्या हुआ बंसी को, क्या बीमार है वो? नहीं बेटी, मैंने बंसी को तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि तो तुम्हारे पिता दीपू के लिए जिद कर रहे थे। बस उसका दिल टूट गया और वो घर छोड़कर शहर भाग गया। क्या पता वो निराश होकर आत्महत्या कर बैठे। तेरे बगैर उसे कोई वापस नहीं ला सकता। बेटी, क्या तू मुझे मेरे बेटे का दान दे सकती है? शहर जाकर उसे वापस ले आ बेटी, मैं वादा करता हूँ कि तेरे ही साथ उसकी शादी कर दूंगा। जा बेटी, इसी ट्रेन से चली जा, क्या पता वो स्टेशन पर ही तुझे मिल जाए। ये ले, ये ले, खर्चे के लिए 20-30 रुपए रख ले अपने पास। नहीं चाचा, मैं अकेली शहर कैसे जाऊँ? बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। शिवचरण दास से वापस आएगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। जा बेटी, जा जा, ये ले, ये ले, भगवान कदम कदम को तेरी सहायता करे। भगवान, तुम हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हो। अब मैं आराम से लक्ष्मी प्रसाद दौलत राम की बेटी से दीपक का ब्याह कर सकूंगा। लुट गई मेरी इज्जत, अब मैं क्या करूं? शिवचरण दास,
अंदर आओ भैया। ये क्या सगाई पक्की करके बिरादरी के बैठने तक का इंतजाम नहीं किया? राजूलाल भाई तुम्हारे पाँव पड़ता इस वक्त मेरी इज्जत है। घूमती घर से भाग गई। भाग गई गाँव वालों के सामने, कुछ बहाना बना दो ताकि वो मेरी इज्जत का मजाक न उड़ाए। अरे तो भले आदमी, अगर ऐसी बात थी तो पहले ही मुझे खबर क्यों नहीं दी? अब इन बाजे वालों का खर्चा कौन देगा? मैं दे देता हूँ। अच्छा भैया, अब जरा इस कागज पर भी दस्तखत कर दो। ये क्या, भूल गया अपना वादा? शादी न होने की सूरत में तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरा। भैया मैंने तो कागज पहले ही से तैयार कर रखा था। रौनक लाल, तुम मेरे दोस्त हो। भूल गए वो दिन जबकि तुम यहाँ नए नए आए थे? मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए जमीन खरीदी, मकान खरीदा। जरूर खरीदा, पर मुफ्त नहीं खरीदा, रुपया मैंने दिया था। लेकिन मैं कहाँ शादी से मुकर रहा हूँ। दो चार दिन में गोमती को ढूंढ निकालूंगा और फिर दीपू से शादी हो जाएगी। शिचरंदाज, तू समझता क्या है अपने आप को? क्या मैं घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहू बनाऊंगा? मेरे बेटे के लिए बड़े बड़े जमींदार और राजे अपनी लड़कियां देने को तैयार। मैं तो सिर्फ अपना वादा निभा रहा था। ये ले दस्तखत कर। ओए छोकरी, घबराई हुई क्यों है? मैं परदेसी हूँ, ये तो बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। ओए ढोंढ़ियो, ओए पांड्या, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या होता? बच्चा इस छोकरी का पीछा क्यों कर रहे? उस्ताद, वो उस्ताद का बच्चा जानता है ये हमारा बहन है और तुम्हारा भी बहन है। मामा, मामा का ना उस्ताद, हमारा भी बहन है। उस्ताद, अगर पहले पता होता तो इसे बड़ी इज्जत के साथ तुम्हारे घर न छोड़ाते। खामोश है क्यों? फिर कभी किसी छोकरी का पीछा नहीं करना। नहीं उस्ताद। क्यों लड़कियों, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, घबराती क्यों है? किसी गांव से आई है? हाँ, कल से मारी मारी फिर रही हूँ। मेरा मंगेतर घर छोड़कर यहाँ चला आया है, उसी की तलाश में आई थी। कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं मिलता तुम हमारे साथ रहो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कैसे नहीं रहेगी? तुम तो लड़की हो। हाँ, बरसों से वो सामने वाली चाय की दुकान चला रहे, दिन में लड़की के भेस में और रात को कान साफ। ऐसा क्यों? इज्जत बचाने के लिए। दुनिया को जब तक खस्ता न दिखा दुनिया जीने नहीं देती। तुम तो कमाल की लड़की हो। वो तो हुई। अच्छा देखो, जब तक तुम्हें तुम्हारा मंगेतर नहीं मिलता तुम मेरे साथ रहो। चल चल। ठीक है। ये लो, गिन लो भाई। क्या बात करते हैं सेठ जी आप? 5,000 तुम्हारे मकान के, 10,000 वो तुम्हारे शिव चरण वाले मकान के, और 35,000 सारा जमीन का, कुल 50,000। लेकिन रौनक लाल जी, तुम ये सब कुछ बेचकर जा कठे रहे हो। सेठ जी, गांव में रखा ही क्या, शहर में आजकल इतने धंधे हैं कि इस 50,000 से 50,00,000 कमाया जा सकता है जी। अच्छा तो राम राम। राम राम राम। मैं पूछती हूँ, तुमने सब कुछ बेच क्यों डाला? हाय हाय, तुझे भी हर बात समझानी पड़ती है। अरे इतने बड़े घर में दीपू की शादी हो रही है, अगर लड़के वाले की तरफ से जेवर वगैरह न गए तो वो लोग क्या समझेंगे? ये सब रुपए दीपक की शादी के लिए हैं। मगर इस धोखे की शादी का अंत क्या होगा? अंत ये होगा कि दीपू जमींदार का घर जवाई बनेगा और हम दोनों चैन की बंसी बजाएंगे। लेकिन देख, वहां अपनी जबान नहीं खोलना, वहां हम लोग जमींदार के नौकरों की हैसियत से जा रहे हैं। एक बार शादी हो जाए फिर वो लोग नौकर और हम दोनों मालिक, क्या समझी?
अच्छा तो आपकी लड़की की शादी है? जी माफ कीजिएगा, मैं तो उस दिन मद्रास हूँ। लक्ष्मी प्रसाद जी? जी। और कितने बच्चे हैं आपके? बस जी ये इकलौती बच्ची है। इकलौती? ये आप उदास क्यों हो गए? मेरा भी एक ही लड़का है, राम जाने कहाँ है। उसके लिए मैं रंगून तक मारा मारा फिरा, दौलत तो बेहिसाब कमाई लेकिन घर का चिराग न मिला। लक्ष्मी प्रसाद जी, अपने मन को शांत करने के लिए गरीबों के लिए एक लंगर खोल रहा हूँ जहाँ उनको रोज मुफ्त अनाज मिला करेगा। जी ये तो बहुत ही नेक काम है। देखिए अगर आप किसी वजह से मद्रास न जा सके तो जरूर दर्शन दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। एक पाना पानी कम लाना। क्यों प्लेटफॉर्म, हमसे नाराज है? तुमसे क्या फिर पठान से पिटवाना चाहती हो? बकरी ईद का बकरा समझा है क्या? लेकिन प्लेटफॉर्म, हम तो तुम पर मरता है। सच? मगर वो बोकुल कहाँ है? अंदर है। बाप रे! ये कहाँ चला? पठान ने जाते देख लिया तो कचुमर कर देगा। मैं क्या करूँ? देख तू चाय बनाकर ग्राहकों को पिला, पठान ने तुझे काम करते देख लिया तो बहुत खुश हो जाएगा और फिर शायद हम दोनों। अरे ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं काम तो क्या, होटल में झाड़ू भी मार सकता हूँ। भाई काफी ला, लाता है लाता है। तुम चाय ले, बहरे हो या गधे? साहब मैं जो भी हूँ आपका छोटा भाई। वालेकुम सलाम, काम करता है? काम करता है। आपका हुक्म कैसे पता लगा खान साहब? आए रहने दे रहने दे रहने दे, आराम कर राम, फिर आवाज से चाय बना के लाता है। बैठ बैठ बैठ। पठान मेरे वास्ते चाय बना कर लाएगा? अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, चचुंदर के सर में चमेली का तेल। एक चालू चाय, एक मस्का टोस्ट, बाकी पैसा वापस। पठान कभी चोकरी कभी चोकरा, अब उतारो ये टोकरा। जिंदगी भर नहीं भूलेंगी तुम्हारी मूछे। क्या कर रहे हो? सुन आज मूछ उतरने की खुशी में पिकनिक पे चलते। दुकान कौन संभालेगा? अरे मोहब्बत की खुशी में आज हॉलीडे। हॉलीडे हॉलीडे कुछ नहीं। अच्छा सुना, मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार ठहरा हुआ है, उससे कहती हूँ वो काम संभालेगा।
कभी दुश्मनी कभी दोस्ती कभी बात बात में दिल लगी हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले कभी हाँ कहे कभी ना कहे कभी झूठ मूठ मेरी जा कहे हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले तुम न होते हम न होते जिंदगी तुम ही से है तुम न होते हम न होते जिंदगी तुम ही से है हुस्न वालो याद रखो आशिकी तुम ही से है आशिकी तुम ही से है ये बनावटी ये खुशामदी दिन रात नाक में दम करी हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले कभी दुश्मनी कभी दोस्ती कभी बात बात में दिल लगी हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले कभी वो अदा कभी बेवफा तो कभी बावफा हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले कभी हाँ कहे कभी ना कहे कभी झूठ मूठ मेरी जा कहे हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले क्या सितम है दिल चुरा कर आंख दिखलाते हैं वो क्या सितम है दिल चुरा कर आंख दिखलाते हैं वो क्या समझ कर पीछे पीछे दिल लिए आते हैं वो दिल लिए आते हैं वो कोई घर नहीं कोई डर नहीं मेरी जान जेब में डर नहीं हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले कभी हाँ कहे कभी ना कहे कभी झूठ मूठ मेरी जा कहे हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले कभी दुश्मनी कभी दोस्ती कभी बात बात में दिल लगी हाय अल्लाह जाए कहाँ दिल वाले हाय अल्लाह मर जाए दिल वाले बाबा इस हालत में क्या चाहिए खाना कितने का मिलेगा
10 आने की थाली। 10 आना? आधी थाली नहीं मिल सकती? क्यों, पैसे नहीं है? जाओ एक चाय और डबल रोटी ले आओ। कोई बात नहीं, पैसे कम है फिर दे देना। नहीं नहीं, मैं भीख लेना नहीं चाहता। भीख? भीख कैसी, आजकल तो बड़े बड़े लोग भी उधार पर जिंदा है। आप उस कमरे में बैठिए, मैं भी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। जवाब नहीं, तुम तो जिंदगी में बहुत सुखी आदमी हो। मैं सुखी हूँ? अगर ये सुख है तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, तुम्हारे सुखी जीवन में एक छोटी सी दुख की झलक आ गई है। तुम्हारी कोई बड़ी प्यारी चीज खो गई है जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे हो। बात तो यही है। चिंता ना करो, अपने घर चले जाओ, वो चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। ये दुख तो भटकते हुए बादल की तरह है जो कहीं से आता है और कहीं चला जाता है। जीत रहो बेटा, तुमने डूबते को तिनके का सहारा दिया। खाना खा लो। अरे गोमती, ये एकदम तुझे क्या हो गया? दीदी, मैंने अभी भी बाबा को देखा, दो चार रोज में उनकी सूरत में 10-20 साल का फर्क पड़ गया है। कहाँ है? बाहर खाना खा रहे। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। देखो दीदी, उनसे पैसे मत लेना। पागल हो गई? जैसे तेरे बाबा वैसे मेरे। देख क्यों ना तेरे बाबा को यहाँ रहने के लिए जगह भी दे दूँ, वरना न जाने वो कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे। ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, जब मुझे बंसी मिल जाएगा तो मैं अपने आप को उन पर जाहिर कर दूंगी। दीदी जल्दी जाओ, उन्हें किसी तरह समझा कर यही रख लो। आइए आइए। अरे रौनक लाल सरकार, आज तो तुम भी जत रहे हो। राजा जी, ऐसे खुशी के मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं। ये जरे की पगड़ी किराए पे ली है क्या? राजा जी, अभी तो ये किराए की है, पर जो ही दूल्हा दुल्हन के फेरे पूरे हुए अपनी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो बाबा? बेटी, मेरे गांव के एक जमींदार यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। कोई खास काम है उससे? हाँ बेटी, किस्मत को आजमाने जा रहा हूँ, शायद वो अपनी थोड़ी सी जमीन मुझे काश्त के लिए दे दे, तो गोमती को ढूंढ कर मैं आराम से घर चला जाऊंगा। अच्छा बाबा जाओ, भगवान नेक आदमियों की मदद जरूर करता है। ओम गणानंदवा गणपति गो हवामय, प्रियानंदवा प्रियापति गो हवामय, निधि नंदवा निधिपति गो हवामय, वधू मम आम जानी पदमा। अरे शिव चरण दास, मैं सोच ही रहा था कि मेरी बेटी की शादी और शिव चरण दास ना। आपकी बेटी की शादी? हाँ हाँ, आओ 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 अंदर चलो। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। मैं जी ना, मैं आप सबके खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ बात है, मेरी सेवा तो ठीक है ना? अरे वंडरफुल, तुम्हारा नाम तो सेवा राम होना चाहिए था। थैंक यू। रौनक लाल का बेटा और जमींदार साहब का दामाद? क्यों भाई, क्या जमींदार साहब को अपने बेटी के लिए इससे अच्छा वर कोई नहीं मिला? क्या कह रहे हो, ये तो मलाया के किसी करोड़पति का लड़का है। करोड़पति का? हाँ। समझा, रौनक लाल ने जमींदार के आंखों में भी धूल झोंक दी। चतुर्भुजस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। क्या है? चुप रहूं। अब तो आई है मेरी बारी, मैं ये धोखा कभी नहीं होने दूंगा। अभी तेरा बंडा फोड़ता हूँ। जमींदार साहब, जमींदार साहब, जमींदार साहब, जमींदार साहब कहाँ हो?
जमींदार साहब बहुत बड़ा धोखा हुआ। जमींदार साहब बधाई हो, शादी हो गई। चरण दास अब जो कुछ कहना है गला फाड़ कर कह ले, शादी हो चुकी, अब तो मैं जमीन पर पांव नहीं रखूंगा। रौनक लाल तू इंसान नहीं शैतान है। अबे भाई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। जमींदार साहब आपका ये दामाद आपके इस कमीने नौकर रौनक लाल का बेटा। अरे जमींदार साहब तो कह रहे थे कि इसका बाप मलाया का करोड़पति। और ढूंढो और ढूंढो, नीलामी की दुकान से चीरे जैसा दामा। क्या किरकिरी हुई है जमींदार साहब की। अजी इनका तो रंग भी पक हो गया, अब क्या मुंह दिखाएंगे किसी को। शांति भाइयों शांति। चरणदास मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्या मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में दिया है। मेरे पास क्या दौलत की कोई कमी है। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी अमीर से क्यों करता। भाइयों मैं ये चाहता था कि अपनी बेटी की शादी एक गरीब लेकिन तालीम याफ्ता होशियार लड़के से करूं। मैंने जानबूझकर अपनी बेटी की शादी अपने नौकर रौनक लाल के बेटे से की है। ऐसा करके मैंने एक मिसाल कायम की है जो दुनिया के लिए चिराग का काम देगी। फैज मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिदों तालाब बना। रौनक लाल मैं समझता था कि मैं ही एक एक्टर हूं कि तुम मुझसे बढ़कर निकले, तो फिर आओ गले मिल जाए। आओ मेरे साथ ऊपर आओ। चलो रौनक लाल सारी जिंदगी मामूली खाट पर बैठते रहे हो, आज जरा स्प्रिंगदार पलंग पर बैठो। बैठो मैं तुम्हारी खातर तवाजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, नौकर चाकर जो है। अरे मेरी जान नए नए संबंधी की खातर क्या नौकरों से करवाते हैं। आराम करो आराम करो। मजा आ गया जिंदगी का। स्प्रिंगदार पलंग, सोफे, कुर्सी, नौकर, चाकर, मोटर, सुबह सुबह बादाम रोगन की मालिश। पहले मैं तेरी चमकी कर लो मारे बाद में। दादाजी 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 नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले मैलों के खाद तू देखे। मर गया मुझे बताओ, मर गया मर गया। इन्हें छोड़ दीजिए, जो भी सजा देनी हो मुझे दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए। नहीं नहीं मैं जानता हूँ तू एक बेजुबान औरत है, लेकिन ये फंजर सांप है इसकी तो मैं गर्दन मरोड़ के। तू खड़ा क्या देख रहा है, तेरे बाप को मार पड़ रही है और तेरी जबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा है। अरे हाथ छोड़ दे, रुपये तूने मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया है, मैं तेरी चमड़ी। पिताजी इन्हें कुछ ना कही, आपने धर्म और दुनिया के सामने मेरा हाथ इनके हाथ में दिया। तो फिर तू भी इनके साथ चली जा, घास फूस की झोपड़ी में जाकर रहे जहाँ के ये रहने वाले हैं। चली जा इनके साथ। चली जाऊंगी इनके साथ, चली जाऊंगी। देखा कलमू है, इसे फेरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और किस तरह तेरा साथ दे रही है। और तुझे जिसने सारी उम्र पाला तू उस बाप का सहारा भी नहीं बन सकता। राजा जी जो कुछ होना था हो चुका, अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। मेरे ऊपर रहम कीजिए राजा जी, मैं अपना घर जमीन सब कुछ बेचकर दीपक की शादी पर लगा चुका हूँ। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है राजा जी। बहुत अच्छा हुआ, तेरे जैसे आदमी को भी की मांगनी चाहिए और मैं देखूंगा कि तू भी की मांगे। अरे दीपक, मैंने जिंदगी में तुझे बहुत से उल्टे सबक सिखाए, लेकिन ये नहीं सिखाया था कि वक्त पड़ने पर तू अपने बाप को भी दगा दे जाए। बाप कुछ भी हो आखिर बाप ही होता है। मैंने अस्पताल ले सकता हूँ। मेरा बाप, बाप, बाबा एक पैसा दे दो बाबा, बाबा।
बटुआ। ए, ना इधर। अच्छे खासे हाथ पांव होते चोरी करता है, काम क्यों नहीं करता? गलती हो गई, माफ करना भैया। आइंदा ऐसा नहीं करना, चल भागे यहां से। ये लीजिए अपना बटुआ, अपने पैसे गिन लीजिए। बेटा बहुत तकलीफ की तुमने, रुपए पैसे की तो फिक्र नहीं, मगर इसमें मेरी एक बहुत जरूरी तस्वीर थी। तस्वीर? हाँ हाँ, मेरे बच्चे की तस्वीर है, ये लो। ये क्या, मैंने किसी लालच में तो जेब कतरे को नहीं पकड़ा था? मगर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। नहीं साहब। करते क्या हो तुम? कूली का काम करता हूँ। मेरे यहाँ नौकरी करोगे? मैंने गरीबों की मदद के लिए एक लंगर खोल रखा है, तुम उसकी देखभाल करो, मैं तुम्हें 200 रुपए महीना दिया करूंगा। 200 रुपए? मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। रहते कहाँ हो तुम? यही फुटपाथ पे सोया करता हूँ। अच्छा ये लो कुछ रुपए, मेरे बैंक के पास एक होटल है, आराम होटल, वहीं अपने रहने सहने का इंतजाम भी कर। और ये मेरा पता। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। किसी से पढ़वा लेना, मेरा नाम है सेठ रामदास बैंकर। अच्छा रामलाल सेठ जी। जी वो क्या लगा रखी है, बोलो ना क्या चाहिए। बहन जी आपके होटल में कोई कमरा उमरा खाली है? हाँ है, चलो ऊपर मेरे साथ। ये है कमरा, ये है खाट, ये है सुराही, रोज के रोज 2 रुपए लिया करूंगी। उधर उधर यहाँ कुछ नहीं चलता। बहुत अच्छा। हाँ पीने के लिए कुछ भेजो। लस्सी चाहिए, अम्मा का घर समझा है, होटल में सिर्फ चाय या कॉफी मिलती है। तो फिर चाय भेजती है। क्या शुक्र है कटोरा नहीं कहा, प्याली में चाय भेजूंगी, छोकरा लेके आता है। एक छोकरा 7 नंबर में एक पैसेंजर आया, उसको चाय देके आओ। अरे ये क्या, आज ही नए कपड़े खरीदे थे, सत्यानाश कर दिया तूने। अबे हूँ क्या करता है, तुम्हें जबान नहीं क्या? अबे गूंगा है क्या, शिकायत कर दूं तेरे मालिक से? चल गंदा कर दिया, अब साफ करने चला, चल चल। चाय गिर गई, बड़ा गुस्से में आ गया, मैंने गूंगी का बहाना करके आ करके उसे टाल दिया। दीदी मेरा ख्याल है बंसी को कोई अच्छा काम मिल गया है, नहीं तो वो होटल में रहने क्यों आता, अच्छे कपड़े कहाँ से पहनता। दीदी जाओ तुम उसे यहाँ बुला लो, मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह जाएगा। अरे पगली नंबर, पहले उसके मन का पता तो चला ले, अगर तुझसे उसे शादी करनी होती तो वो घर से भाग कर क्यों आता, उसने तो दीपू के लिए कुर्बानी दी है, तो क्या वो उस कुर्बानी पर पानी फेर देगा? अब तो वो यही है, 2-4 दिन में उसके मन का पता चला लेंगे। हाँ आज आपका पांव दबाने वाला आया नहीं, किसी कारण देर हो गई होगी बंसी। लाइए मैं दबा लूं। अरे अरे बंसी ये क्या करते हो, तुम आश्रम के मैनेजर हो, घरेलू नौकर नहीं? मालिक और नौकर का संबंध बाप बेटे का होता है, क्या बेटा बाप के पांव नहीं दबा सकता?
स्वर्ग नर्क सब इसी दुनिया में है, अपने कर्मों का फल यही मिलता है। कहां राज करते थे, कहां भिखारी हो गए। माया के पीछे तुमने बंसी का हक छीन लिया, उसे देश निकाला दे दिया। माया के पीछे पीछे पागलों की तरह भागते रहे, भगवान ने तुम्हारी टांग तोड़ दी। बस बस भगवान बस। तू क्या है ना कहो, खाना कैसा है? अबे गूंगे, तेरे मुंह में जबान कहां से रहे? गूंगा नहीं, उस दिन पिटाई के डर से गूंगा बन गया था। अच्छा झांसा दे गए, बड़ा चालाक है तू। बाबूजी, दुनिया में जिंदा रहने के लिए कई भेद बदलने पड़ते हैं। अमा यार तू तो काम का आदमी है, पासा। अरे पासा ना मारूंगा नहीं, अरे आ भी जा, क्या छोकरियों की तरह शर्माता है। नाम क्या तेरा? गुम। अच्छा है, अच्छा है। शादी? नहीं बाबूजी। ए भाजी भाजी क्या लगा रखा है, मेरा नाम है बंसी, बंसी। अच्छा है? वो बंसी। क्या करूं? खाओ। खिलाओ। खिलाना। मेरे हाथ की बर्फी मीठी नहीं होगी तो क्या होगी? क्यों अच्छी नहीं है? किसने बनाई ये बर्फी? मैंने। नहीं नहीं, ऐसी बर्फी तो उसके बगैर कोई और नहीं बना सकता। किसके बगैर? है कोई। लेकिन ये तो बताओ, कौन है वो? यार वो एक ऐसी चीज है जो मेरी है लेकिन मेरी हो नहीं सकती। क्या प्यार व्यार की बात है? हाँ यार, लेकिन फर्ज की दीवार बीच में आ गई थी। उसे मैं चाहता हूँ और वो मुझे चाहती है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए उसे ठुकरा कर यहाँ चलाया। क्या वो भाई इस काबिल है कि तुमने उसके लिए अपना प्यार ठुकरा दिया? अरे हो ना हो, भाई तो भाई है ना। और फिर ये तो जरूरी नहीं कि हर प्यार करने वाले को उसकी मंजिल मिल जाए। बस यार अब तू जा, और नमक छिड़कता है वो जरूरत है। दो मन आलू, तीन मन गोभी। डैडी ये नहीं, ये पढ़िए। ये अच्छा, एक मन रेडियोग्राम। डैडी रेडियोग्राम, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, ट्रांसिस्टर, ये लिस्ट किसने दी है? उन्होंने दी है। तो कोई बात नहीं बेटा, सब चीजें आ जाएंगी। ऐसा करो अपने हाथ से चाय का प्याला बना कर लाओ पहले। जल्दी जाओ। ओ, आराम हो रहा है? जी हाँ, बस यूं ही जरा। बेटा सुषमा ने ये लिस्ट दी है, ये बताओ कि रेडियोग्राम तुम्हें कहाँ का चाहिए, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का या जर्मनी का? अमेरिकन अच्छे होते हैं। अमेरिकन, अच्छी बात। और बेटा टेप रिकॉर्डर? ग्रुंडिंग का मिल जाए तो क्या बात है। जर्मन का होता है ना ग्रुंडिंग? जी हाँ, जी बहुत अच्छा होता है, आदमी अपनी आवाज भरे और एक मिनट के बाद खुद ही सुन ले। जी हाँ। और कैमरा बेटा? इंग्लैंड से मंगवा दीजिए। इंग्लैंड से? ए ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर जापान के सिवा कहीं अच्छे बनते ही नहीं। चंदव, ओ चंदव। जी सरकार। शाम को छोटे साहब क्या खाते हैं? सूप, चिकन पुलाव, कोफ्ता कढ़ी, नान और गाजर का हलवा। आज से एक बरस तक साहब को मसूर की दाल उबली और एक चपाती सूखी दिया करो। सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं? एक ग्लास दूध और उसमें दो चमचे ब्रांडी, चार
अंडे फ्राई, दलिया और फल वगैरह वगैरह वगैरह। कल से नाश्ते में साहब को सिर्फ बगारा बगारा देना, समझे? और दोपहर का खाना? अबे उल्लू, हमारे दामाद को बदहजमी करना चाहता है, दोपहर का खाना बंद। तो आप नौकर के सामने मुझे जलील करना चाहते हैं? अरे बेटा, इसमें जलील करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। देखो, शाम का खाना कम करने से रेडियोग्राम आ जाएगा, सुबह का नाश्ता कम करने से ट्रांजिस्टर आ जाएगा, और दोपहर का खाना बंद करने से टेप रिकॉर्डर। और अगर कहीं 8-6 महीने फाका कर लो ना, तो फिल्म कंपनी खोल दूंगा। आप क्या समझते हैं मैं आपके टुकड़ों पे पड़ रहा हूँ? अपनी बेटी रखी अपने पास, मैं यहाँ से चला। हाँ हाँ ठीक है, एड्रेस छोड़कर मत जाना, कहीं गलती से फिर ना बुलवा लो। लक्ष्मी प्रसाद जी, लक्ष्मी प्रसाद जी। ओ सेठ रामदास जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए आइए, खाइए। आप मद्रास से कब वापस आए? जी मद्रास से मैं जा ही नहीं सका, जरा तबीयत खराब हो गई थी। और कहिए, शादी तो धूमधाम से हो गई? अजी बस पूछिए नहीं, क्या रौनक थी, सिर्फ आपकी कमी महसूस हो रही थी। जी क्या बताऊं, मजबूरी थी। अच्छा ये मेरी तरफ से बेटी को दे दीजिए। जी इसकी क्या जरूरत है, आपने खाम खा तकल्लुक कर दिया है, ये सब कुछ आप ही के तो दिया हुआ है। अजी बस क्या है, शुभकामनाएं ही तो है। अच्छा जरा लड़के को तो बुलाइए, देख लूं। वो लड़का जरा चहलकदमी के लिए बाहर गया हुआ है, मैं आपको शादी की एल्बम दिखाता हूं। अच्छा ये देखिए, ये मेरा दामाद है और ये मेरा समधी। ये रौनक लाल है ना? जी हाँ हाँ, आप इसे जानते हैं क्या? जी हाँ, अस्पताल जाते वक्त मैं अपना बेटा इसी को सौंप कर गया था। क्या इसका और भी कोई बेटा है? जी नहीं नहीं नहीं, इसका यही एक बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा दामाद आपका बेटा है। जी हाँ, रौनक लाल ने एक इंसान का नहीं बल्कि देवता का काम किया है। जो बारात मुझे आपके घर लेकर आना चाहिए था, वो रौनक लाल लेकर आ गया। लक्ष्मी प्रसाद जी, जी मुझ सब और ज्यादा सब्र नहीं होता, मेरे बेटे को जल्दी मुझसे मिला दीजिए। आप ठहरिए ठहरिए, मैं अभी आ अभी आ। एक ससुरे ने जमाई का सहारा लेकर नौजवानों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। नए जमाने के लड़के हो ना, बस ससुर ने जरा मजाक किया और बुरा मान गए। देखो बेटा, अरे छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो मेरे साथ आओ। मैंने और सुषमा ने मिलकर खिचड़ी पकाई थी कि आज तुम्हें जरा तंग किया जाए। पुराने जमाने में जब जवाई घर आता था तो साले और सालियां मिलकर जी भर के उसका मजाक उड़ाते थे। और तुम जानो सुषमा मेरी इकलौती बेटी है, तुम्हारा ना कोई साला है ना साली। मैंने सोचा कि ये हसरत मैं खुद ही पूरी कर डालूं। अच्छा ये बात थी, तब तो मुझे असबाब खोलना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, नौकर चाकर जो है, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि शादी वाला दिन लोगों ने क्या हंगामा किया था। लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इतना अमीर आदमी और अपनी बेटी का हाथ अपने नौकर के बेटे के हाथ में दे रहा है। मगर बेटा, मेरा नाम भी लक्ष्मी प्रसाद दौलत राम है। मैं जितना जमीन से बाहर हूँ उतना अंदर। मैं शुरू से ही जानता था कि तू रौनक लाल का बेटा नहीं है। है? तो और किसका बेटा हूँ? इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ रामदास का, जिसका कारोबार यहाँ से रंगून और रंगून से मलाया तक है। देखो बेटा, तुम्हारा असली बाप तुमसे मिलने नीचे आया है, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम फौरन नीचे आ जाना। बहुत अच्छा, जब से मैंने होश संभाला आज पहली बार उनके दर्शन करूंगा। आप मुझे जरा जल्दी बुलाइएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। नया बाप कौन है मेरा? अगर अमीर है तो चलो इसे भी बाप बना लेते। सेठ जी, बेटा तो सो रहा था, मैं समझा बाहर गया हुआ है। तो जी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी बुलाइए। बेटा, ओ बेटा। जी आया। बेटा बेटा आओ आओ। मेरे बच्चे, इतना बड़ा हो गया तू, देख क्या रहा है। मैं तेरा पिता हूं। पिताजी। बेटा, बचपन में तुझे रौनक लाल के पास छोड़ गया था, वो समझा कि मैं मर गया हूं, इसलिए ये राज तुझसे छिपाए रखा। पिताजी,
बेटा रौनक लाल कहाँ है? जी वो शादी के बाद वो हरिद्वार चला गया जी। मैं आपकी बहू को बुलाता हूँ। सुषमा, ओ बेटी सुषमा। हाय डैडी। जल्दी आओ जल्दी आओ। अपने ससुर के पहुंचू। ससुर? हाँ बेटी, असली तो यही है, वो रौनक लाल तो नकली था। हाँ हाँ छुओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आज मेरा बरसों से उजड़ा हुआ घर आबाद हो जाएगा। लक्ष्मी प्रसाद जी, जी इजाजत हो तो अपनी बहू और अपने बेटे को अपने घर ले जाओ। हाँ जरूर ले जाइए, आप ही के तो बच्चे हैं। ए धन्नो, अरे ओ धन्नो। चलो बेटी। बाबा, माँ, बाबा, ये आपका क्या हाल हो गया? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरा सब कुछ लुट गया बेटा, घर गया, जमीन गई, पांव कट गया, पर बेटा मुझे बस यही तसल्ली है कि मेरे अंदर छिपा हुआ शैतान मर गया। बेटे के होते हुए माँ बाप भीख मांगे तो लानत है उस बेटे पे। बाबा, मेरे होते हुए आपको किस बात की चिंता? हरिया, अनाज तुम बांट दो। चलो चलो माँ, चलो। बहन जी, मेरे कमरे में दो खाट और लगवा दो, मेरे माता पिता आए हैं। लेकिन कमरे में तो सिर्फ दो खाट की जगह है। अरे बहन जी, एक खाट और लगवा ही दो ना, मैं जमीन पे सो जाया करूंगा। चलो बाबा चलो। अरे हाँ, खाना आना ऊपर। हाँ हाँ भेज दूंगी, तुम जाओ। गोन, अरे गोन, चल जल्दी आ। तेरे वाले नंबर में दो मेहमान आए हैं, उन्हें खाना दिया। कौन है वो, खुद जाके देख लेना। तू कुली का काम करता रहा। माँ, मेहनत किसी किस्म की हो, उसमें शर्म कैसी। लेकिन दीपू को क्या हो गया माँ? बड़े घर में शादी क्या हुई, अपने माँ बाप को भूल गया? मैंने जो लाल प्यार से उसे सर पर चढ़ा रखा था, अच्छा किया जो उसने मेरे सर पर जूता मारा। बंसी बेटा, तुमने गोमती को तो कहीं नहीं देखा, मैंने उसे भी धोखे से तुम्हारी तलाश में शहर भेज दिया था। गोमती मेरी तलाश में शहर आई थी? मुझे तो नहीं मिली, शायद गांव लौट गई होगी। गांव लौट कर भी क्या करेगी, धोखे से मैं शिवचरण की जमीन और मकान भी हजम कर गया था। न जाने वो बेचारा भी कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। कितने अत्याचार किए हैं मैंने। आपका खाना यहां रख दे। दीदी दीदी, मेरे रास्ते के सब कांटे एक एक करके दूर हो रहे हैं। दीपू की शादी किसी से हो गई है, अब मुझे अपने आप को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छा हुआ। आज कितने दिनों के बाद पेट भर खाना मिला है बेटा, बिल्कुल घर जैसा खाना। होटल का तो जान ही नहीं पड़ता। बेटा कौन बनाता है खाना यहाँ? वही जिसे तुम लोगों के लिए बनाना चाहिए था। कमाल है बाबा, जोहरी होकर हीरे को नहीं पहचान सके। तुम्हारे घर की लक्ष्मी के सिवा और कौन बना सकता है? गुंटी, गुंटी बेटी, गुंटू बेटी। नहीं नहीं बेटी, जीती रह बेटी, अभी तेरी बातें हो रही। इतने दिनों तो कहाँ रही गुंटी? आपके बेटे की सेवा करती रही। मेरी सेवा? हाँ हाँ, और क्या, रोज तेरा बिस्तर कौन लगाता था, खाना कौन खिलाता था, उस दिन वो बर्फी किसने बना के खिलाई थी? वो तो एक लड़का था। अरे जाजा लड़का था, लड़का नहीं, एक किस्मत की मारी लड़की थी, जिसे तुझे ढूंढने के लिए भेस भी बदलना पड़ा। बेटे माफ कर दे अपने चाचा को, भगवान ने इनके किए की सजा इन्हें दे दी। चाची ये क्या कह रही हो, मैं तो आप ही की बेटी हूँ। काश शिवचरण मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसके पांव में अपना सर डालकर उससे भी माफी मांग लूं। पापा को बुलाऊं? क्या शिवचरण यहाँ है बेटी? हाँ, लेकिन वो नहीं जानते
कि मैं भी यहाँ हूँ। बेटी मुझे ले चल इसके पास, ले चल मुझे। बेटी बाबा को पहले मेरे बारे में समझा देना और बाद में कहना कि मैं यहाँ। तुम घबरा नहीं बेटी, ये है उनका कमरा। शिवचरण भाई, कर लो अत्याचार, लूट लो लोगों को, अब पुकारो अपनी जमीनों को, जायदाद को, अपनी दौलत को और कहो कि तुम्हारी टूटी हुई टांग ठीक कर दे। जो कुछ कहना था कह चुके शिवचरण भाई, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि मेरी दूसरी टांग क्यों सलामत है। जो पाप मैंने किए हैं उनके लिए तो सजा बहुत थोड़ी है, जानते हो मेरा सब कुछ लूट गया, मैं गलियों में भीख मांगते मांगते यहां पहुंचा हूं। भगवान मुझे माफ करे या न करे, मगर तुम एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। उठो ना, उठो, उठो, उठो। तुम मेरे दोस्त थे और अब भी मेरे दोस्त हो। मुझे घर बार लुट जाने का कोई रंज नहीं, लेकिन मेरी बेटी भी मेरा मुंह काला कर गई। नहीं नहीं, गोमती का कोई दोष नहीं, उसे भी मैंने ही धोखे से शहर भेज दिया था। तुमने ये जुल्म भी तुमने ढाया, न जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। बाबा, बाबा, मुझे माफ कर दो। गोमती, बेटी गोमती। बाबा, बाबा, मैं जानती हूँ मेरे कारण आपके जीव में क्या क्या बीती होगी, इसमें मेरा कोई दोष न था, मुझे क्षमा कर दो बाबा। बेटी कसूर तो मेरा भी था, चलो ये भी दिन देखने किस्मत में लिखे थे, न मैं दीपू से तेरी शादी की जिद करता, न बात यहाँ तक पहुँचती। अब मैं बंसी को कहीं से भी ढूंढ कर उसकी अमानत उसके हवाले कर दूंगा। मालिक आश्रम में अनाज खत्म हो गया है, कल के लिए और चाहिए। अरे बंसी, सारे शहर का अनाज खरीद लो। जानते हो क्या बात है, जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मालिक आपको आपका बेटा जरूर मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारी जबान पर सरस्वती बैठी हुई। तो मालिक छोटे सरकार मिल गए? हाँ, कहाँ है वो? मेरे कमरे में। अरे जाकर देख कैसा है मेरा लाल। अच्छा मेरे मालिक का लड़का, ये क्या पहली है? बाबा को खबर देनी चाहिए। बाबा, बाबा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा। क्या दीपू भी तुम्हारा बेटा नहीं? क्यों, क्या बात है? मैं अभी अभी मालिक के घर से आ रहा हूँ, उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। जानते हो कौन है? अपना दीपू। दीपू? हाँ हाँ। खोया हुआ बेटा? हाँ बाबा, मुद्दत हुई बीमारी के कारण वो अपना बेटा अपने नौकर को सौंप कर इलाज के लिए अस्पताल चले गए थे, और जब वो वापस लौटे तो पता चला कि नौकर गांव छोड़कर रंगून चला गया। कौन है तुम्हारा मालिक? सेठ रामदास। रामदास? बाबा बताओ ना, क्या दीपू भी तुम्हारा बेटा नहीं? बेटा सच सच बताऊं, मेरी अपनी कोई औलाद न थी, तुम एक शरीफ लेकिन गरीब आदमी के बेटे थे, और दीपू एक अच्छे खासे खाते पीते आदमी का बेटा था, और मैं उसके यहां नौकर था। उसे तपेदिक की बीमारी हो गई और वो दीपू को मेरे जिम्मे छोड़कर चला गया, और जाते वक्त दीपू की परवरिश और पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए भी दे गया। इसीलिए मैंने दीपू को पढ़ाया और तुम्हें नहीं। लेकिन वो आदमी कौन था? तुम्हारा मालिक रामदास। बेटा मुझे उसके पास ले चलो,
मैं अपने हाथ से उसकी अमानत उसे वापस कर दूं। चलो बाबा चलो। लेकिन बेटा, बाबा भगवान के लिए अपनी माँ से इस बात का जिक्र मत कर। तुम जानते हो कि वो दीपू से तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम दीपू के नौकर बनकर काम करो। अच्छा बाबा, ये लो। चलो बेटा चलो। हाँ तो पिताजी, हमें देख के वो वहां से भाग गया। मालिक मालिक भानु खान, तुम ये क्या हुआ? मालिक, न जाने किस जन्म का पाप था जो इस जन्म में मेरे सामने आया, लेकिन मुझ पर जो कुछ भी बीती मैंने हमेशा आपकी अमानत को संभाले रखा। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ? मालिक, आप शायद ये नहीं जानते कि ये मेरे पिता हैं। बंसी, तुम रौनक लाल के लड़के हो? जी, आपके दीपू की तरह मैंने इसे भी गोद लिया था। आपके दीपू के साथ खेलने के लिए कोई साथी भी चाहिए था ना? बंसी, अगर तुमने मुझसे पहले जिक्र किया होता तो मेरी मुश्किलें कब की आसान हो गई होती। किस्मत भी क्या क्या मजाक करती है, मेरा भाई और मेरे पिता क्या नौकर। इसी का नाम तो सितारों की गर्दिश है बेटा। अरे रौनकलाल, मालिक खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अरे अरे ऊपर बैठो भाई, चलो। अच्छा रौनकलाल, मालिक एक बात तो बताओ। जी। तुम अपना गांव छोड़कर क्यों चले गए थे? मालिक, बुरा हो इस दुनिया का, किसी ने मुझसे कह दिया था कि आप परलोक सिधार गए। फिर उस गांव में मेरे लिए क्या रखा था? रोजी के सिलसिले में मैं दूसरे गांव चला गया था, पर शुक्र है उस भगवान का कि आज मैंने अपने अन्नदाता को दूसरे जन्म में पाया है। जो उसे मंजूर होता है वही होता है। रौनकलाल, मालिक जहां मुझे अपने बेटे के मिलने की खुशी है, वहां यह अफसोस भी है कि तुम नाकारा हो गए। रौनकलाल, मुझ पर जो तुम्हारे एहसान हैं, मैं उनका बदला इस तरह चुकाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बंसी, खड़े क्यों, चलो दीपक के पास बैठो। अरे ये तुम्हारा भाई है, चलो चलो। तुम दोनों भाई भाई हो। मालिक मालिक, तो फिर इस खुशी में एक दावत जरूर होनी चाहिए। तुम दावत कहते हो, जश्न होगा जश्न, जैसा पुराने जमाने में बादशाहों की ताजपोशी के वक्त हुआ करता था। और उसके बाद सब कारोबार अपने बेटे को सौंप कर अपनी जिंदगी के बाकी दिन हरि नाम लेकर बसर कर दूंगा। गुजरा गली से मेरी मेरी सपनों वाला एक।
भाइयों और बहनों, मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि आपने मेरी इस खुशी में शरीक होकर मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मेरे भी इस दुनिया में आप जैसे खैरखा हैं। आप जानते ही हैं कि बरसों के बाद मेरा गुमशुदा बेटा दीपू मुझे मिला है। इस खुशी का अंदाजा एक बाप का दिल ही लगा सकता है। मैं निहायत एहसान फरामोश हूंगा अगर ऐसे मौके पर अपने पुराने मुलाजिम रौनक लाल का जिक्र न करूं, जिसने मेरे बेटे को इस तरह पाला है जैसे कि वो उसकी अपनी औलाद हो। इसलिए मैं रौनक लाल से अर्ज करता हूं कि वो मेरे घर बार की ये कुंजियां अपने हाथ से मेरे बेटे दीपू को सौंप कर मुझे शुक्रिया का एक और मौका दे। आओ रौनक लाल, आओ। मालिक जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये लो मालिक, आज आपने जर्रे को सूरज बना दिया। जो काम आपको अपने हाथों से खुद करना चाहिए था वो आप मुझे सौंप रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है मालिक। भाइयों, अमानत अमानत होती है, और अगर मालिक की अमानत में उसका नौकर खयानत कर जाए तो लानत है उस नौकर पर। मैंने अपने देवता जैसे मालिक के बेटे की परवरिश करके उन पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उस नमक का हक अदा किया जो मैं बरसों खाता रहा। आओ बेटा, आओ, ये संभालो। तुम ही नहीं, छोटे मालिक, ये तुम्हारा हक, तुम्हारा। बाबा, रौनक ये क्या है? मालिक, आपके घर का चिराग बंसी और ये नीच दीपू मेरा बेटा है। उम्र भर पाप की कमाई खाता रहा, अब आखिरी वक्त में अपना अगला जन्म सुधार। रामदास जी, इस बैरूपिये की बातों में मत आइए। दीपू इसका नहीं, आपका बेटा है। लक्ष्मी प्रसाद जी, हाथ में आई हुई दौलत जाते देख कर मुंह से झाग छूटने लगी। दौलत के लालच में पड़कर इंसानियत का गला घोटने वाले का अंजाम देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुली। मालिक, मालिक, आपकी दौलत हाथ में आते ही मेरा ईमान डगमगा गया। मैंने भरोसा के पवित्र नाम पर धब्बा लगा दिया। आपके पैसों से जो कुछ मुझे आपके बेटे के लिए करना चाहिए था वो मैंने अपने बेटे के लिए किया। जिसे आराम करना चाहिए था वो चिलचिलाती धूप में अपना खून पसीना खेतों में बहाता रहा। जिसे सोने की थाली में खाना चाहिए था उसके सामने रोज गालियों की थाली परोसी जाती थी, फिर भी इसने अपनी जबान से उफ तक नहीं कहा। मालिक, बाबा। मालिक, जानते हैं आप उस दिन मैंने दावत के लिए क्यों कहा था? मैं अपने पापों का प्रायश्चित सबके सामने करना चाहता था, ताकि शायद कोई मुझसे भूला हुआ मेरा अंजाम देखकर सीधे रास्ते पर आ जाए। रुकिए, रुकिए। मालिक, 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 ये सब झूठ है, इनकी बातों का विश्वास न कीजिए। हाँ रामदास जी, अब राज खुलेगा। बोलो बहन, बोलो, प्रेम से बोलो। मालिक, आपने जब अपनी आग के तारे को हमारे सुपुर्द किया था तब हमारी कोई औलाद न थी। आपके चले जाने के बाद भगवान ने मेरे गोद में भी एक चांद सा बालक दिया। और वो ये बंसी है? नहीं नहीं दीपू, बंसी आपका लड़का है मालिक। रौनक लाल ने भी तो यही कहा है। हम समझते थे शायद अभी तक ये रास्ते पर नहीं आए, लेकिन अभी आ गए। बंसी मेरा बेटा है। पिताजी, मेरे राम। पिताजी, बंसी। आओ बेटी, आओ। चलो सेठ साहब, अकेले कहाँ जा रहे हैं आप? इस मलाया के राजकुमार को भी लेते जाइए। किसान का बेटा हुआ तो क्या, आखिर दामाद है आपका। हाँ लक्ष्मी प्रसाद जी, ले जाइए। बाबा, दीपू यहाँ से नहीं जाएगा। आप अगर इसके बाप हैं तो मैं भी इसका बड़ा भाई। पिताजी, आपकी दौलत में जितना मेरा अधिकार है उतना ही दीपू का होगा। ला बाबा। भैया, भैया मुझे माफ कर दो। भैया,
मैंने जिंदगी भर तुम्हें ठुकराया, लेकिन हर ठोकर के बाद भी तुमने मुझे गले से ही लगाया। भैया मुझे माफ कर दो भैया मुझे। अरे पगले भाई, भाई में माफी कैसे। दीपू भैया, भैया दीपू पंडित जी क्या एक ही फ्रिज में दो शादी नहीं हो सकती। दीपू मेरा दोस्त था लेकिन अपनी शादी के बाद मुझे दगा दे गया। धनसी भाई कम से कम आप तो इस कुंवारे का साथ दो टू गेट मैरिड। अरे हाँ ठीक ही तो है, लेकिन कन्यादान मैं करूंगा, आखिर ये भी तो मेरी बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बीवी मेरी होनी चाहिए।